शुरू करते हैं। जो बच्चे लेट आए हैं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज। तो ऑक्सिन में हम मेन पोर्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिस्कवरी, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इनहिबिटर्स, सिग्नलिंग पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ओके चलो, तो ऑक्सिन पढ़ने से पहले चलिए जरा सा हम फाइटो हार्मोन के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, ये क्या है। ऑक्सिन इज अ टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम फाइटो हार्मोन्स क्या हैं। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है उसके बारे में आपको पता है कि कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बॉडी में किसी उनका मतलब प्रोडक्शन एरिया अलग हो सकता है, एक्शन एरिया अलग हो सकता है, तो वो वहां पे जाकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फिर वहां पे जाके एक्शन करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका एनिमल फिजियोलॉजी जब शुरू होगा तो एंडोक्राइनोलॉजी में ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बट इतना हमको पता है कि हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट ग्लैंड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्लांट में भी इसी टाइप के हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्योंकि ये हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन की तरह काम करते हैं, और क्योंकि ये प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वी कॉल इट एज अ फाइटो हॉर्मोन। ओके, तो फाइटो हॉर्मोन को कभी कभी हम PGRs के नाम से भी जानते हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ये होते क्या है, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिग्नलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और प्लांट की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अब क्या होता है, प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रोथ टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट फाइटो हॉर्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट को लंबा होना है, प्लांट को घना होना है, प्लांट को फ्लावरिंग करना है, प्लांट को फ्रूट बनाना है, ये सब चीजों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइटो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। ये जो इतने सारे डेवलपमेंटल पाथवे एंड ग्रोथ फॉर्म आप देख रहे हो, इन सब में फाइटो हार्मोन अपना रोल प्ले करता है, और ये हमको एंटायर प्लांट किंगडम में देखने को मिल जाता है ये फाइटो हार्मोन। हायर प्लांट्स में देखा जाए तो रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, ये सभी फैक्टर जो हैं केमिकल सिग्नल्स पे डिपेंड करते हैं, और यही वो केमिकल सिग्नल है, दैट इज फाइटो हार्मोन है, जो प्लांट में अपना रोल प्ले करते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट आर प्रोड्यूस इन वन सेल एंड मॉड्यूलेट द सेलुलर रिस्पॉन्स इन द अनदर सेल बाय इंटरैक्टिंग विद द स्पेसिफिक प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ रिसेप्टर लिंक टू द सेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अब सीधी सी बात है, अगर हम कह रहे हैं कि फाइटो हार्मोन सिग्नल मॉलिक्यूल है तो उस सिग्नल मॉलिक्यूल का कोई रिसेप्टर होगा, तो उस हार्मोन को जहां जाकर काम करना है उस टारगेट सेल पे उस हार्मोन का रिसेप्टर पाया जाएगा, जैसे हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंडक्शन प्रोसेस में देखा था। तो टारगेट सेल पे जब रिसेप्टर पाया जाएगा तो उस रिसेप्टर से जाकर हार्मोन बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। मोस्ट प्लांट हार्मोन आर कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्सेस इन द टारगेट सेल एट वैनिशिंगली लो कंसेंट्रेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो नेचुरली अकरिंग फाइटो हॉर्मोन्स है, यानी कि जो प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं फाइटो हॉर्मोन, उनकी रिक्वायरमेंट टारगेट सेल को बहुत कम कंसेंट्रेशन में होती है, यानी कि फाइटो हॉर्मोन्स अपने लो कंसेंट्रेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड दैट इज वाई हर जगह जहां भी वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पे वो लो कंसेंट्रेशन में ही काम कर रहे होते हैं। इसीलिए प्लांट में काफी ऐसे सिस्टम इवॉल्व हुए हैं जिससे कि अगर कभी किसी दौरान फाइटो हार्मोन का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है प्लांट में तो उसको स्टोर कर लिया जाता है या इनएक्टिवेट कर दिया जाता है या डिग्रेड कर दिया जाता है, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ फाइटो हार्मोन एक्यूमुलेशन कैन बी लाइक अ रीजन फॉर द टॉक्सिसिटी इन द प्लांट। वो टॉक्सिन्स की तरह काम कर सकता है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई फाइटो हार्मोन एक्यूमुलेट हो गया तो, ठीक है, तो ये केसेस देखे जाते हैं। तो अक्सर फाइटो हार्मोन को उनके लो कंसेंट्रेशन पे काम करते हुए देखा गया है। हार्मोन जो है रिड्यूस होके ट्रांसपोर्ट होते हैं जहां पे उनको एक्शन करना होता है। अब हार्मोन के बारे में बात किया जाए तो प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग 9 मेजर हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे कि हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथिलिन, एब्सेसिक एसिड, ब्रासिनोस्टेरॉइड, जैस्मोनिक एसिड, सेलिसिलिक एसिड, स्टीगोलेक्टोन्स।
और ये सब कुछ हम जो है अपने फाइटो हार्मोन में आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें हम इन सबको पढ़ेंगे, जितना हमने नाम बताया वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये कुछ फाइटो हार्मोन का इंट्रोडक्शन था। ओके, यहाँ पे मैंने आपके सामने इनके केमिकल स्ट्रक्चर का पूरा पिक्चर लगा के रखा है कि कौन से फाइटो हार्मोन का किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। जब फुर्सत में आप होंगे तो एक बार इन स्ट्रक्चर्स को गौर से जरा घूर के देखने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कि ये आपको दोबारा घूर रहे हैं या नहीं, मतलब कि एक बार देख के इसको रख लीजिएगा। ओके, अब एक ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि कहानी को जाके कनेक्ट करना ही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट की तरफ से इनपुट है या प्रोग्राम्ड डेवलपमेंट है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्मोन की सिंथेसिस हो सकती है। प्लांट की बॉडी में हार्मोन बना, अब क्या होगा, अब वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे, एक्शन साइट, यानी जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जरूरी नहीं है वहीं पे वो काम करेंगे, उनका एक्शन साइट अलग हो सकता है, तो उनको उनके एक्शन साइट पे भेज दिया जाता है। अपने एक्शन साइट पे जब वो जाते हैं तो वहां पे वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर से जब वो बाइंड करते हैं तो वो एक थ्रेशोल्ड क्रिएट कर सकते हैं। उस थ्रेशोल्ड में क्या होगा, उस थ्रेशोल्ड में जो है आपको अलग अलग एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि कंपार्टमेंटेशन या रिवर्सिबल कॉन्जुगेशन या फिर कैटाबॉलिज्म या फिर रिफ्लक्स। कहानी क्या है कि अगर ये मान लीजिए कोई भी फाइटो हार्मोन है वो अपने थ्रेशोल्ड में पहुंच गया, यानी जितने की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में पहुंच गया है वो फाइटो हार्मोन, तब क्या होगा, या तो उसको किसी कंपार्टमेंट में लॉक कर दिया जाएगा, या उसको किसी अमाइनो एसिड के साथ या किसी और फैक्टर के साथ कॉन्जुगेट करके इनएक्टिव कर दिया जाएगा, या तो उसे कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक कर दिया जाएगा, या तो उसको सेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब थ्रेशोल्ड होता है तब हार्मोन की सिंथेसिस जो है वो रोकी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था कि चलो एक एक केस हो गया कि मान लो थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया तो, और मान लीजिए ठीक ठाक प्रेजेंट है, तब क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करके वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन करके क्या करेगा, रिस्पॉन्स करवाएगा। कैसा रिस्पॉन्स करवाएगा, प्लांट ग्रो करेगा, फ्लावर कर सकता है, लंबा हो सकता है, मोटू हो सकता है, ठीक है, इस टाइप के रिस्पॉन्सेस, यानी क्योंकि हर एक फाइटो हार्मोन के अपने अपने फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है फाइटो हार्मोन मदद करता है, तो ये रिस्पॉन्स उसी से रिलेटेड हो सकते हैं। और ये रिस्पॉन्स के कारण भी कभी कभी थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि कोई भी फाइटो हार्मोन होगा वो हाईएस्ट अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, तो इन दैट केस ऑल्सो सेम फिर वापस से यही रिस्पॉन्स को टर्मिनेट करने के लिए ये सारे केसेस देखे जा सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है, एक कॉमन स्कीम है कि हार्मोन कैसे रेगुलेट करता है, रेगुलेट किया जाता है और कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अभी तक हम बेसिक्स पे ही चल रहे हैं, उसके अलावा देखिए क्या होता है, एक होमियोस्टेसिस मेंटेन होता है। प्लांट की बॉडी में किसी भी फाइटो हार्मोन की जरूरत लिमिट से अगर ज्यादा हो गई या प्रेजेंस उसका लिमिट से ज्यादा हो गया तो प्लांट के पास सिस्टम होता है उस लिमिट को वापस से कम करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ एक्टिव हार्मोन जो है, अब इस एक्टिव हार्मोन को अगर बनाना है तो क्या क्या पाथवे लगेगा, दैट इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने वाले पाथवे में आएगा उस हार्मोन को सिंथेसाइज करना, या वो पहले से ही सिंथेसाइज है उसे एक्टिवेट करना, या वो सिंथेसाइज भी है और कहीं पे स्टोर्ड है तो उसको उस स्टोरेज एरिया से बाहर निकालना, या फिर कहीं और पे वो सिंथेसाइज होके रखा है तो टारगेट सेल के द्वारा अपडेट कर लेना। इन सभी एक्शंस के द्वारा आप जो फाइटो हार्मोन है उसके कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जरूरत से ज्यादा अब वो हार्मोन बन गया है तब क्या होगा, तब आप उसको नेगेटिवली रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने कहा प्लांट के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो कम अमाउंट में ही बेस्ट काम करते हैं, ज्यादा आप अगर उसकी प्रेजेंस लगा दोगे तो वो टॉक्सिसिटी के लिए मतलब टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन टू फाइटो हार्मोन वैरी कर सकता है कि किसी में टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है किसी में कम होती है, हम ये इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में फाइटो हार्मोन इकट्ठा हो गया है या बन गया है या प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब प्लांट की बॉडी में उस फाइटो हार्मोन को डिग्रेड करने के लिए पाथवे रन हो सकता है,
या फिर उस फाइटो हार्मोन को इनएक्टिवेट किया जा सकता है किसी मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेट यानी जोड़ के, या उस फाइटो हार्मोन को सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है यानी छुपाया जा सकता है, या फिर उसको टारगेट सेल से इफ्लक्स किया जा सकता है। तो इन सारे मेथड से आप किसी भी हार्मोन के प्रेजेंस को नेगेटिवली रेगुलेट कर सकते हो और इन सारे एक्शन से आप पॉजिटिवली रेगुलेट कर सकते हो। अब जब आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन दोनों चीजों को प्रॉपर ढंग से रेगुलेट करते हो तो इसी को हम होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। कि प्लांट के पास हर एक तरीका है कि कोई चीज कम हुई है तो उसको, बहुत ज्यादा कम हुई है तो उसको कैसे ठीक करना है, और कोई चीज बहुत ज्यादा हुई है तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही जो नेटवर्क है वो काम करते हैं ताकि फाइटो हार्मोन प्लांट में बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्मेंस शो कर सके। ठीक है, चलो अब समझते हैं ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, यहां से ऑक्सिन शुरू हो जाता है। अभी तक हमने फाइटो हार्मोन का एक बेसिक डिस्कशन देख लिया। तो ऑक्सिन पहला ग्रोथ हार्मोन है जिसको स्टडी किया गया था प्लांट में। अगर मैं स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक बात करूं तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन प्लांट के टिप में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ओके, और देखा जाता है कि इसका मेन रोल है प्लांट सेल को इनलार्ज करवाने में। तो ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू इंक्रीज। अकरेंस देखा जाए तो ऑक्सिन नेचुरली प्लांट में सिंथेसाइज हो सकता है या फिर आप इसे लेबोरेटरी लेवल पे आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, इसे हम सिंथेटिक ऑक्सिन कहते हैं। नेचर में जो है ये डिराइव किए जाते हैं इंडोल कंपाउंड से। इंडोल कंपाउंड यानी कोई ऐसा फाइटो हार्मोन जिसमें इंडोल ग्रुप है, दैट इज ट्रिप्टोफैन, राइट। तो नेचुरल ऑक्सिन जो कि प्लांट में एंडोजीनस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं उसे हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, IAA। IAA इज फार द मोस्ट अबंडेंट एंड फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो जो ऑक्सिन होता है उसका केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड। ये इस फॉर्म में, IAA फॉर्म में प्रॉपर ढंग से फंक्शन करता है। अब जैसे अगर मैं साइट ऑफ सिंथेसिस कहूँ कि हाइएस्ट अमाउंट जो है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं प्लांट का हर ऑर्गन कैपेबल होता है फाइटो हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए अगर प्लांट में रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो प्लांट मजबूर हो जाता है कि हम उसे सीक्रेट सिंथेसिस करना ही पड़ेगा। तो प्लांट वर्चुअली अगर देखा जाए तो प्लांट का हर एक ऑर्गन कैपेबल होता है फाइटो हार्मोन की सिंथेसिस करने के लिए। बट डिस्पाइट ऑफ दैट हम इतना जनरल तो नहीं चल सकते ना, बट दिस इज अ रियालिटी कि प्लांट के हर एक सेल जो है, हर एक पार्ट फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। बट इसके बावजूद भी हम इतना जनरल नहीं चल सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक रेंज से आते हैं, तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक होके चलना पड़ता है। तो हमें वर्चुअली तो ये चीजें पता चल गई हैं, लेकिन स्पेसिफिकली देखेंगे कुछ कुछ मेजर पार्ट या मेजर ऑर्गन जहाँ पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, तो इसका मेजर पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस इन द स्टेम टिप दैट प्रमोट द सेल इलॉन्गेशन। दे आर प्रोड्यूस इन अ स्टेम, बर्ड एंड रूट टिप एज वेल। ठीक है, तो इनका वैसे तो लोकेशन बहुत जगह देखा जाता है लेकिन प्राइमरी लोकेशन होता है टिप ऑफ द प्लांट। अब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से तो आपको बहुत सी चीजें जो है और समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब डिस्कवरी की बात करते हैं। अभी हमने इसके प्रेजेंस के बारे में देखा, कुछ बेसिक्स देखा, डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी में क्या किया गया, डिस्कवरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडलिंग जो लिया गया वो सीडलिंग का कोलियोप्टाइल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कोलियोप्टाइल क्या है, देखिए ये है सीड और इससे निकलने वाला ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसी को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ओके, तो ऑक्सिन को एज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्लांट में स्टडी किया गया और इसे डिस्कवर किया गया था चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन के द्वारा, जिसके बारे में दैट इज डार्विन ने अपनी बुक पावर ऑफ मूवमेंट में, मूवमेंट इन प्लांट में जो है इसके बारे में, दैट इज ऑक्सिन के बारे में लिखा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कोलियोप्टाइल लिया कैनरी ग्रास का,
ठीक है, ये कैनेडी ग्रास का ये कोलियोटाइलिया। और इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट से बहुत सी चीजें सामने आई और बहुत सी बातें पता चली ऑक्सिन के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या किया गया था। सबसे पहले डार्विन के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो 1980 या 1981 के बीच में उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कैनेडी ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया, ठीक है, ये रहा कोलियोप्टाइल, और उस इंटैक्ट कोलियोप्टाइल को क्या किया, एक यूनिडायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन से आ रही हुई लाइट के सामने रख दिया। तो जहां से वो लाइट आ रही थी, ये जो कोलियोप्टाइल है वो वहां पे बेंडिंग इफेक्ट शो करने लगा। और जब इसने बेंडिंग इफेक्ट शो किया तो इस मतलब कि इफेक्ट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। हमने कल भी पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म में, तो फोटोट्रॉपिज्म जो है प्लांट शो करने लगा। तो बोला गया कि शायद ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिज्म में भी मदद करता है। पर यहाँ पे एक और सवाल आया कि ऑक्सिन फिर प्रेजेंट कहाँ रहता है। तो क्या किया गया, अब इसी कोलियोप्टाइल के टिप को, इतने टिप को काट दिया गया, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कट कर दिया गया। जब कोलियोप्टाइल को यहां से कट किया गया, उसके बाद फिर से जब इसको लाइट दी गई तो देर वॉज नो बेंडिंग, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें तो फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिला। इसमें देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद क्या किया गया, एक ओपेक कैप भी लगा दिया गया टिप पे देखने के लिए कि क्या होता है आगे। जब एक ओपेक कैप लगाया गया यहां पे, तो भी जब लाइट दिया गया तो देर वॉज नो बेंडिंग एट ऑल। तो इससे ये चीज कंक्लूजन में आ गया कि जो ऑक्सिन है शायद वो टिप में पाया जाता है, ऑक्सिन इन टिप ऑफ प्लांट। ठीक है, तो उस टाइम तक मतलब कि ये बोला गया कि जो भी केमिकल मतलब पाया जा रहा है वो एक्चुअल में प्लांट के टिप में प्रोड्यूस हो रहा है, और टिप में प्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रांसफर होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट में जहां पे वो ग्रोथ प्रमोट करता है। लेकिन इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है टिप ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के सबसे ऊपरी हिस्से, यानी इसको बोलते हैं टिप। अब उसके बाद क्या हुआ, वॉयसन एंड जेनसन ने 1913 में एक और एक्सपेरिमेंट किया जिससे और भी कुछ अच्छी बातें सामने आई। उन्होंने ये चीज डिस्कवर किया कि ऑक्सिन एक्चुअल में कहाँ पे पाया जा रहा होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, अगेन यहाँ पे कोलियोप्टाइल लिया गया प्लांट का, और एक वहां पे माइका शीट को इंसर्ट कर दिया गया डार्क साइड में। तो देखिए ये कोलियोप्टाइल है, अगर आप लाइट दे रहे हो तो ये वाला हिस्सा जो है लाइट में रहेगा और ये पीछे वाला हिस्सा डार्क में रहेगा, एग्री। तो क्या किया गया कि जब माइका शीट को, माइका शीट क्या होता है, माइका शीट एक इस तरीके का शीट होता है जो कि अपने अंदर से किसी चीज को पास नहीं होने देता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे माइका शीट जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा था वो इस्तेमाल हो रहा था ऑक्सीजन को चेक करने के लिए कि क्या ये ऑक्सीजन को पास होने दे रहा है या नहीं। तो देखा गया कि जहां से लाइट आ रही थी, लाइट जब यूनिडायरेक्शनल लाइट पड़ी और माइका शीट को यहां पे रखा गया था, माइका शीट को इंसर्ट कर दिया गया था डार्कर साइड में, और जब लाइट दिया गया तो देर वॉज नो बेंडिंग एट ऑल, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या किया गया, इस माइका शीट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया गया, पहले इसको डार्क साइड में दिया गया था राइट, और अब इसको लाइट साइड में दिया गया, लाइट साइड में माइका शीट इंसर्ट कर दिया गया। अब जब लाइट दिया गया तो देखने को क्या मिला कि प्लांट में बेंडिंग इफेक्ट हो रहा है, कोलियोप्टाइल बेंड हो रहा है। इससे क्या कहा गया, इससे ये चीज बोला गया कि जो भी केमिकल की हम स्टडी कर रहे हैं वो केमिकल टिप में प्रेजेंट है और वो डार्कर साइड में डिफ्यूज होता है,
लाइटर साइड में डिफ्यूज नहीं होता है, ये बोला गया। तो लाइटर साइड में ऑब्वियसली लाइट आ रही है, उस लाइट को मे बी फोटोट्रोपिन्स रिसीव कर रहे होंगे, तभी फोटोट्रोपिज्म शो हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन है वो इस लाइटर साइड में इकट्ठा नहीं होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा हो रहा है, डार्कर साइड में। तभी जब हमने डार्कर साइड को यहाँ पे फर्स्ट केस में डिस्टर्ब किया था, तो जो भी ऑक्सीजन यहाँ था वो नीचे डिफ्यूज नहीं हो पाया था, इसीलिए बेंडिंग इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड केस में क्योंकि डार्क साइड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया और लाइट साइड में माइका शीट लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है डार्कर साइड में डिफ्यूज होने लगा और डिफ्यूज होके फिर बेंडिंग इफेक्ट शो करवाने लगा। क्योंकि जहां पे वो डिफ्यूज होता है ना, वहां के सेल्स को वो थोड़ा इलोंगेट कर देता है, जिसकी वजह से जो कोलियोप्टाइल ऐसे था वो धीरे धीरे ऐसे बेंड होने लगता है। ओके, तो यहां इससे ये चीज सामने आई कि माइका जो है इट वॉज इम्पर्मिएबल फॉर ऑक्सीजन, माइका ने ऑक्सीजन को पास नहीं होने दिया नीचे की तरफ, दैट इज वाई बेंडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसके रिस्पेक्ट में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, कोलियोप्टाइल लिया गया और इसका टिप को रिमूव कर दिया गया, और टिप को रिमूव करने के बाद बीच में एक जेलेटिन शीट रखा गया और उसके ऊपर टिप को रख दिया गया, और उसके बाद उसको यूनिडायरेक्शनल लाइट दी गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो आप साफ साफ खुद देख सकते हैं कि यहां पर बेंडिंग इफेक्ट देखने को मिला। इसका मतलब क्या था, द जेलेटिन शीट इट वॉज नॉट इनहिबिटिंग द ऑक्सीजन डिफ्यूजन, जेलेटिन शीट जो है वो पर्मिएबल था ऑक्सीजन के लिए, हेंस ऑक्सीजन जो भी टिप में बना था वो इजिली पास हो गया नीचे की तरफ और प्लांट बेंड हो गया। तो माइका शीट की इम्पर्मिएबिलिटी शो की गई ऑक्सीजन के लिए एंड जेलेटिन शीट वॉज पर्मिएबल फॉर ऑक्सीजन, इसीलिए इसमें बेंडिंग इफेक्ट देखने को मिला। सो 1930 बॉयसन एंड जेनसन डिस्कवर दैट द ग्रोथ स्टिमुलस पासिस थ्रू द जेलेटिन बट नॉट थ्रू द वॉटर इम्पर्मिएबल बैरियर सच एज द माइका शीट। ओके, क्लियर हुआ ये चीज, राइट? अब समझाती हूँ ये बेंडिंग कैसे हुआ। मान लीजिए एक तरीके से ये एक कोलियोप्टाइल है जो कि इनिशियली क्या था, जो कि इनिशियली बिल्कुल ऐसे रहेगा। मान लीजिए आप लाइट यहां से दे रहे हो तो ये फिर क्या करेगा, ये ऐसे बेंडिंग इफेक्ट शो करेगा। ऐसे क्यों शो करता है ये देखिए, लाइट तो इस एरिया में पड़ रही है, ये एरिया डार्क वाला है, तो होता क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और डिफ्यूज होने लगता है, और जहां पे वो प्रेजेंट रहता है वहां के सेल को देखिए ये इलोंगेटेड कर देता है। देखिए इस तरीके से वहां के सेल इलोंगेट हो जाते हैं कंपेयर टू फ्रंट साइड वाले सेल जो कि इलोंगेटेड अभी नहीं हुए हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो पीछे वाले डार्कर साइड वाले सेल्स होते हैं वो इस तरीके से इलोंगेट हो जाते हैं। तो जो चीज ऐसी थी वो अब धीरे धीरे इलोंगेशन की वजह से क्या होने लगती है, इस तरीके से करके बेंड होने लगती है, एंड दैट इज वाई हमको बेंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इस साइड में जहां पे लाइट पड़ रही है, दैट इज द इल्यूमिनेटेड एरिया, यहाँ पे ऑब्वियसली फोटोट्रोपिन्स काम करेंगे, फोटो वन एंड फोटो टू, और वो क्या करेंगे, वो लाइट को रिसीव करेंगे, और इस केस में ऑक्सीजन भी मदद करता है बाय डूइंग द सेल इलोंगेशन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे कि चीजें काफी कुछ हद तक क्लियर हो गई कि हाँ ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है, कैसे काम कर सकता है, एंड सो मेनी थिंग्स। क्या लगता है मीनाक्षी जी, ये तो वही वाली कहानी हो गई, सारी कहानी सुन के पूछ रही हैं आप, मैम सीता किसका बाप था, क्या लगता है, क्या बताया मैंने, बेंडिंग किसकी वजह से हुई, बताइए। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ सामने, उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, ऑक्सीजन का नामकरण हुआ, उसके बारे में स्ट्रक्चर सामने वगैरह आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट था हमने बस उसको डील किया। अब बात करते हैं नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक ऑक्सीजन।
नेचुरली ऑक्सीजन भी पाया जाता है जो प्लांट बनाएगा अपनी बॉडी के अंदर, सिंथेटिक ऑक्सीजन भी पाया जाता है जिसे हम ऑक्सीजन एनालॉग भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो सकता है। अब आप सोचोगे जब नेचुरली बन रहा है तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, जो प्लांट डेफिशिएंट होते हैं वो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं, उन प्लांट्स को हम लेबोरेटरी से जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी जो लेबोरेटरी या सिंथेटिक बेस्ड जो ऑक्सीजन होता है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर हम कुछ लेबोरेटरी में प्लांट्स पे काम कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, प्लांट नेचुरली नेचुरल प्लांट के पास जाके क्या करोगे, एक कटोरी दोगे और बोलोगे बहन जी मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा, तो प्लांट तो आपको ऑक्सीजन देगा नहीं। तो उस केस में आपके पास सिंथेटिक ऑक्सीजन अगर होगा तो दैट यू कैन अप्लाई टू योर प्लांट एंड कैन सी द डिजायरेबल रिजल्ट जो कि आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये केस होता है। अब इसीलिए नेचुरली ऑक्सीजन तो ठीक है एग्जिस्ट करता है लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है। अब देखा जाए तो नेचुरल ऑक्सीजन का हम लिस्ट देख लेते हैं, इससे दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि नाम बताओ क्या होता है, ठीक है। गेट वगैरह में क्वेश्चन इससे आने लगे हैं, डीबीटी वगैरह में इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, सीएसआर अभी इस पर फोकस नहीं किया है बट आई एम डैम श्योर बहुत जल्दी वो फोकस कर लेगा। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, दो दो नंबर के बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग बन सकता है, एक जगह लिख देगा नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन और यहाँ पे पांच छह नाम दे देगा, बोलेगा मैच करो कौन कौन किस किस से मैच हो रहा है, ठीक है। नाम बता देती हूँ मैं आपको, नेचुरल ऑक्सीजन में चले आते हैं इंडोल थ्री एसिटिक एसिड दैट इज आई ए ए, 4-chloro-indole-3-acetic acid दैट इज सी एल डबल ए, फिनाइल एसिटिक एसिड पी डबल ए, इंडोल थ्री ब्यूटेरिक एसिड आई बी ए जिसे हम रूटिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि रूट्स बनाने में मदद करता है, इंडोल थ्री प्रोपिनोइक एसिड दैट इज आई पी ए, ये सब है नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन के फॉर्म, मतलब कि आई मीन ऑक्सीजन के टाइप, इतने टाइप्स में जो है हमें ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में फॉर्म होता हुआ मिल सकता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया 2,4-dichlorophenoxyacetic acid दैट इज 2,4-D जिसे हम कहते हैं, अगर इसका आपने बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन यूज किया तो ये एक्टिव हर्बिसाइड्स की तरह काम करता है और ये मेन ऑक्सीजन होता है जिसे हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जब भी हम लेबोरेटरी में प्लांट वगैरह ग्रो कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं रैदर टू से, तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उस केसेस में 2,4-D इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में काफी कॉमन तरीके से। फिर है अल्फा नैप्थिलिन एसिटिक एसिड दैट इज अल्फा एन एन ए, इसको भी जो है कमर्शियल रूटिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है हाई कंसेंट्रेशन में। नेक्स्ट 2-methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid दैट इज जिसे हम डिकैम्बा कहते हैं, ये भी एक एक्टिव हर्बिसाइड्स की तरह इस्तेमाल हो सकता है। 4-amino-3,5,6-trichloropicloric acid जिसे हम टॉर्डन या पिक्लोरम कहते हैं, ये भी एक एक्टिव हर्बिसाइड्स की तरह काम कर सकता है। 2,4-5-trichlorophenoxyacetic acid दैट इज 2,4-5-T, ये भी सिंथेटिक ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां पे हम नॉर्मल नेचुरली अकरिंग फाइटो हार्मोन को कम कंसेंट्रेशन में सूटेबल मानते हैं, सिंथेटिक जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो लेबोरेटरी लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं, उस केस में वो जो सिंथेटिक हार्मोन है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा पड़ता है, उसको ज्यादा अमाउंट में यूज करना पड़ता है, ठीक है। और होता क्या है कि क्योंकि सिंथेटिक ऑक्सीजन जो नॉर्मल ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है, स्टोरेज वाला प्रोसेस है, इनएक्टिवेशन वाला प्रोसेस है, सिंथेटिक ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में जाने पे उसको अवॉइड कर सकता है, क्योंकि प्लांट की बॉडी ऐसे इवॉल्व है कि वो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन को बेटर ढंग से होम्योस्टेसिस बेसिस पे रेगुलेट कर सकती है कि कब बनना है कब बंद होना है, कब उसको डिग्रेड कर दो कब उसको चलने दो। लेकिन जो बाहर से हम ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं वो उतना अच्छा से उस प्लांट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फिट नहीं हो पाता है, एंड दैट इज वाई अगर सिंथेटिक ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन एक लेवल से ज्यादा हो गया, मतलब जिस ज्यादा लेवल में रिक्वायरमेंट है सिंथेटिक ऑक्सीजन की प्लांट में, उस लेवल से अगर और ज्यादा लेवल हो गया तो उस केस में अब वो ऑक्सीजन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के बजाय हर्बिसाइड्स की तरह इस्तेमाल, मतलब हर्बिसाइड्स की तरह काम करेगा और प्लांट की डेथ करवा देगा। तो इसका कंसेंट्रेशन भी एक थ्रेशोल्ड के बाहर नहीं जाना चाहिए प्लांट में, अदरवाइज ये फिर अच्छे काम की जगह बुरा काम करने लगेगा, दैट इज हर्बिसाइड्स की तरह इस्तेमाल होने लगेगा। इसीलिए अगर हम नेचुरली प्लांट को ग्रो कर रहे हैं लेबोरेटरी में तो वी यूज द सिंथेटिक ऑक्सीजन, लेकिन इसके अलावा भी जो अदर यूज है कि इसको हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में हर्बिसाइड्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा ये जो लिस्ट है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे जैसे मैंने कहा क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप में से बहुत से लोग डीबीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे। डीबीटी कब है? 12 या 13 तारीख को कुछ है ना शायद, आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे या संडे को है शायद डीबीटी, जो भी है नेक्स्ट वीक है शायद, मेरे को प्रॉपर ढंग से डेट याद नहीं है। तो काफी बच्चे कह रहे थे कि मैम उससे मतलब उससे पहले हमको थोड़ा प्लांट पढ़ने को मिल जाता, तो ये सारा डिटेल जो भी बच्चे डीबीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस डिटेल को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मोर ऑर लेस सिलेबस इज सेम फॉर डीबीटी एंड सीएसआईआर, स्पेशली अगर आप प्लांट की बात करते हैं। चलो, रूटिंग पाउडर का मतलब होता है जब आपको रूट का ग्रोथ ज्यादा करवाना होता है तो उस पाउडर को आप अप्लाई करते हो तो रूट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो हेंस रूटिंग पाउडर। 20 को है, 20 को है, तब तक तो बहुत कुछ क्लियर हो, तब तक तो आई मीन बहुत कुछ प्लांट में पढ़ लेंगे हम लोग। चलो बढ़िया, अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस की। अभी तक सब कुछ समझ में आ गया? हाँ जी, अभी तक ऑक्सीजन सभी को जितना कुछ पढ़ाया सब कुछ समझ में आ गया? तो अब बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। इसका बायोसिंथेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक पाथवे से बायोसिंथेसिस होता नहीं, मल्टीपल पाथवे हैं। और मल्टीपल पाथवे होने की वजह यह है क्योंकि इस अलग अलग प्लांट स्पीसीज अलग अलग पाथवे चलाते हैं, दैट इज वाई। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ। ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस यानी ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में कैसे बनता है। ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस के लिए दो पाथवेज हैं, एक है डोमिनेंट और एक है माइनर बेसिस पे चल सकता है। तो पहला पाथवे जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, ये एक डोमिनेंट पाथवे है और ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पाथवे ऑन अ मेजर बेसिस। लेकिन इसके अलावा एक और पाथवे एग्जिस्ट करता है जो कि आपको मेज प्लांट में देखने को मिल सकता है, जो कि है ट्रिप्टोफैन इनडिपेंडेंट पाथवे। तो हम मेनली जो है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, चलिए थोड़ा डिटेल समझते हैं। IAA यानी इंडोल ट्रिएसिटिक एसिड यानी ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है स्ट्रक्चरली रिलेटेड है किससे? अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से। इसलिए ट्रिप्टोफैन यहाँ पे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है जिससे कि ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। और जो सबसे जनरल पाथवे है जिससे कि ऑक्सिन सिंथेसाइज हो सकता है उसमें दो स्टेप प्रोसेस चलता है, जिसमें कि इंडोल थ्री पाइरुवेट को एज अ इंटरमीडिएट इस्तेमाल किया जाता है, यानी IPA ये मॉलिक्यूल बनता है पाथवे के इंटरमीडिएट लोकेशन पे। सेकंड स्टेप में जो है एक जीन है जिसका नाम है यूका जीन। ये यूका जीन जब प्रोडक्ट बनाता है तो वो प्रोडक्ट प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का नेचर है एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्टोफैन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। तो यूका जीन का जो प्रोडक्ट है वो है एंजाइम, इसलिए कभी कभी हम इसे यूका एंजाइम भी कह देते हैं। तो अमाइनो ट्रिप्टोफैन अमाइनो ट्रांसफरेज जब बनता है तो ये एंजाइम मदद करता है ऑक्सिन बनाने में। IAA बायोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद रैपिडली डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग टिश्यू स्पेशली इन द शूट। ऑल्दो वर्चुअली ऑल प्लांट टिश्यू अपीयर टू बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लो लेवल ऑफ IAA, शूट एपिकल मेरिस्टेम यंग लीव्स यंग फ्रूट्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस। जैसे मैंने कहा था वर्चुअली प्लांट का हर एक टिश्यू जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन प्राइमरी लोकेशन देखा जाए तो शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, यंग लीव्स हो गया, यंग फ्रूट्स हो गया, ये सब कुछ प्राइमरी साइट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। और इन प्राइमरी में से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी टिप ऑफ द प्लांट, जिसको लेकर सबसे ज्यादा स्टडीज देखी गई है। अब आते हैं ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस पे, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट कहा कि ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन बनता है, कैसे बनता है, तो देखिए ये रहा ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक रिएक्शन के थ्रू जो है IPA में बनता है, IPA। ये IPA जो है क्या करता है, दूसरे एंजाइम के प्रेजेंस में IAA में कन्वर्ट होता है, दैट इज इंडोल
डायरेक्टली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप और ये है सेकंड स्टेप जहां पे यूकाजीन काम कर रहा है। तो ये एक जनरल, ये जनरल पाथ पे दिखाया गया, एकदम जनरल। इस जनरल से तो सवाल ना ही ना के बराबर ही बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन सिंथेसिस को डिटेल में समझते हैं। तो इसके टोटल चार पाथवे हैं जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक है आईपीए पाथवे जिसे हम इंडोल 3 पाइरूवेट पाथवे कहते हैं, ट्रिप्टामाइन पाथवे है, आईएएन पाथवे है जिसे हम इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे कहते हैं, फिर है आईएएम पाथवे जिसे हम इंडोल 3 एसिटामाइड कहते हैं। ये जो पाथवे को नाम दिए गए हैं ना, वो नाम दिए गए हैं कि इनको इंटरमीडिएट में क्या मिल रहा है, यानी पाथवे के बीच में कौन सा मेजर मॉलिक्यूल मिल रहा है, उसके बेसिस पे नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तो समझते हैं ये पाथवे कैसे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इन पाथवेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करूंगी। देखिए, दूसरों की बातों में मत आइए, जो बच्चे डरा रहे हैं ना, आपको पता नहीं, आपके पीठ पीछे ना बैठ के इतना ज्यादा पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि आप डरो और आप प्रिपरेशन ना करो, और वो ना डर के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे। ठीक है, तो उनकी बातों में नहीं आना है, अपने काम पे ध्यान देना है। अब चलो पहले हम बात करते हैं आईपीए पाथवे के बारे में। आईपीए पाथवे में जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रिप्टोफैन है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। आईपीए पाथवे में ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, इंडोल 3 पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम डीअमाइनेशन कहते हैं। ये इंडोल 3 पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं आईपीए, और इसी आईपीए पे इसका नाम रखा गया है पाथवे का। फिर ये आईपीए का डी कार्बोक्सिलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंडोल 3 एसिटाइल्डिहाइड में। अब ये इंडोल 3 एसिटाइल्डिहाइड जो है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम आईएए कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका आईपीए पाथवे की ये किस तरीके से चल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। आप चाहें इसको इतना डिटेल में ना रख के भी शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन है वो यूका एंजाइम के बेसिस पे क्या बना रहा है, आईपीए बना रहा है, आईपीए बना रहा है, और आईपीए फिर कुछ और रिएक्शंस को बीच में करके डायरेक्टली आईएए बना रहा है। अब अगर किस्मत अच्छी हुई तो इस पे सवाल इतना डिटेल में मिलेगा नहीं, और अगर किस्मत या टाइम खराब चल रहा है तो बोल देगा बताओ कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ये हो गया डीअमाइनेशन पहले हो रहा है, फिर डी कार्बोक्सिलेशन बाद में हो रहा है। तो पाथवे को लिखने के बहुत से तरीके, आप एकदम शॉर्टकट में चले जाइए या फिर आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट में पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों ही मैं बता दे रही हूँ, जिसको जैसे ठीक लगे वो करिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर आएंगे तो आप अच्छा करेंगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, खराब करेंगे तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये था पहला वाला पाथवे, दैट इज आईपीए पाथवे। फिर बात करते हैं ट्रिप्टामाइन पाथवे के बारे में। ट्रिप्टामाइन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट भी ट्रिप्टामाइन होता है। इस पाथवे में पहले पाथवे के कंपेरिजन में प्रोसेस उल्टा होता है। जैसे पहले पाथवे में डीअमाइनेशन पहले हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन बाद में हुआ, इस पाथवे में डी कार्बोक्सिलेशन पहले होता है, डीअमाइनेशन बाद में होता है। तो होता क्या है देखिए, इस पाथवे में इसे कभी कभी हम ट्रिप्टामाइन पाथवे को जो है हम टैम पाथवे भी कहते हैं, टैम पाथवे, दैट इज ट्रिप्टामाइन पाथवे। अब इस पाथवे में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन जो है डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा ट्रिप्टामाइन में चेंज होता है, और ट्रिप्टामाइन जो होता है वो क्या करता है, वो दैट इज इंडोल 3 एसिटाइल्डिहाइड में चेंज होता है। इंडोल 3 एसिटाइल्डिहाइड में जब वो चेंज होता है तो क्योंकि डीअमाइनेशन कर रहा है, तो डीअमाइनेशन में कौन सी जीन इन्वॉल्व होगी, दैट इज कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ट्रिप्टोफैन ट्रांसअमाइनेज, जो कि किसका जीन प्रोडक्ट है, दैट इज यूका का जीन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यूका काम करेगा, और यहाँ पे इस जगह पे यूका काम कर रहा था, राइट। हमने अभी तो यही देखा ना
ट्रिप्टोफैन अमाइनो ट्रांसफरेज जो है वो एक तरीके से यूकाजीन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ट्रांसमाइनेज वैसे ही काम कर रहा है। तो अब ये जो यूकाजीन है वो क्या करेगा, यूकाजीन के थ्रू ट्रिप्टामाइन जो है ये इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो है ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी सभी को। ओके, अब ये हो गया टैम पाथवे। नेक्स्ट देखते हैं आईएएन पाथवे। आईएएन पाथवे में क्या होता है, देखिए आईएएन पाथवे में ट्रिप्टोफैन जो है वो इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में कन्वर्ट होता है। इस इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल को हम आईएएन कहते हैं, और ये इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल जो है नाइट्रिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में आईएए बनाता है, दैट इज ऑक्सिन बनाता है। ओके, नेक्स्ट पाथवे आईएएम पाथवे। आईएएम पाथवे में क्या होता है, जो ट्रिप्टोफैन होता है उसका कन्वर्जन इंडोल 3 एसिटामाइड में होता है। इस इंडोल 3 एसिटामाइड को ही आईएएम कहते हैं, फिर इसका कन्वर्जन आईएए में होता है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लिखना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व है। होता क्या है, देखिए ये जो ट्रिप्टोफैन होता है ये एंजाइम है, दैट इज क्रिप 79B2 and B3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटाइल्डॉक्सिन में। और उसके बाद इसका कन्वर्जन जो होता है ये हो जाता है आईएएम, और आईएएम से आपको पता ही है फिर आईएए चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईएएम पाथवे। अब आप सोचोगे कि इतने सारे पाथवे क्यों रन हो रहे हैं, क्योंकि नीचे देखिए एग्जांपल, इनमें से जो प्राइमरी बेसिस पे जो पाथवे चलता है ना प्लांट में, मतलब कि जो सबसे ज्यादा पाथवे चलता है प्राइमरी बेसिस पे, एक तो आपको पता चली गया हुआ दैट इज आईपीए, आईपीए एंड टैम पाथवे, ये प्राइमरी तरीके से चलते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आईपीए टैम पाथवे, ये हमको जैसे एक प्लांट पे, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो टोमेटो में देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम प्लांट में ये पाथवे चलता है। इसके अलावा आईएएन पाथवे आपको ब्रैसिकेसी फैमिली में देखने को मिल सकता है, जिसको हम मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, ग्रास फैमिली में देखने को मिल सकता है, बनाना फैमिली में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आईएएम पाथवे आपको बैक्टीरियाज में देखने को मिल सकता है, जैसे कि हो गया एग्रोबैक्टीरिया में। तो ये कुछ आपके पास टाइप हो गए पाथवे के। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो तो इसको एक बार ट्राई करके रिटर्न फॉर्म में ट्राई करके लिख लेंगे तो भी आपको इजीली जो है डील हो जाएगा ये। अच्छा, इसको हम जो है आईएएन पाथवे को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पेपर की बात करूं तो एक पेपर में मैंने इसको देखा था कि ट्रिप्टोफैन से यानी जो एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है उसकी मदद से यहाँ पे बना इंडोल जो कि टैम पाथवे में बना था, और इससे जो है इससे फिर ये बनता है। तो मैंने बीच का एक इंटरमीडिएट हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख दे रही हूँ क्योंकि आजकल जैसे कि क्वेश्चनिंग आ रही है काफी डिटेल में आने लगी है। तो यहाँ पे यूज होता है ट्रिप 21A30।
इसकी मदद से इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल बनता है, नाइट्रिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वापस से IAA बनता है। तो ये कुछ पाथवे हो गई एज वेल एज इनके डिटेल्स हो गए। माही होपफुली यू आर क्लियर राइट नाउ, आपने जो सवाल पूछा वो मैंने ऑलरेडी बना दिया यहाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो ये हो गया बायोसिंथेसिस ठीक है, खत्म, इतना ही है बायोसिंथेसिस। अब बात करते हैं ऑक्सिन सिंथेसिस में म्यूटेशन केसेस के बारे में। आपने अभी एक यू का जीन देखा, अभी सोचा है इसको ऐसा नाम क्यों दे दिया गया। आपके सामने ये एक मैंने प्लांट रखा है, इस प्लांट का भी नाम यू का है। देख सकते हैं इसकी हाइट जो है कितनी लंबी है, राइट, इसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। तो जरा समझिए क्या कैसे नाम पड़ा जिस इस जीन का यूका। यूका जीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट डेवलपमेंट। कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कैसे एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, जो एंजाइम ऑक्सिन सिंथेसिस में मदद कर रहा है। दे वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द अरबिडोप्सिस एज अ डोमिनेंट म्यूटेंट दैट कॉज एलिवेटेड लेवल ऑफ फ्री ऑक्सिन। देखा गया कि ये यूका जीन Arabidopsis में डोमिनेंट म्यूटेशन फॉर्म में प्रेजेंट था, जिस फॉर्म में वो ऑक्सिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहा था। द म्यूटेंट नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द फिनोटाइप ऑफ द एडल्ट प्लांट। और जिस Arabidopsis में ये डोमिनेंट म्यूटेशन देखा गया यूका जीन में, ठीक है, यूका जीन में, उसमें क्या पता चला कि प्लांट का जो फिनोटाइप है वो बहुत ज्यादा लंबा आ गया। यानी यह है एक अरबिडोप्सिस थालियाना, ये प्लांट, इसमें क्या हो गया, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मेटाबॉलिज्म में, है ना। बिल्कुल, ये लोग बस ऐसी हवा बना रहे हैं, मैं इनको इजी इजी करके दे रही हूं ना पाथवे, तो इनके जो है नखड़े बढ़ जा रहे हैं, एमी बोल बोल के टफ बना रहे हैं। बेटा मेटाबॉलिज्म में जाके पाथवे देखो, पता चलेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि मेटाबॉलिज्म में भी पाथवेज है। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो गया डोमिनेंट म्यूटेशन इन यूका जीन। तो क्या मिल गया इस प्लांट का फिनोटाइप, डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया तो एलिवेटेड लेवल यानी हायर लेवल दैट इज फ्री ऑक्सिन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लगा उस प्लांट में। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट म्यूटेशन के केस में यूका जीन ने बहुत ज्यादा काम किया, यानी उस एंजाइम ने बहुत ज्यादा काम किया जो यूका जीन से कोड हो रहा है, और एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑक्सिन प्रोड्यूस होगा। ऑक्सिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो प्लांट कैसा हो गया, यूका जैसा हो गया, राइट, यानी ऐसे कुछ हो गया, प्लांट इतना लंबा, बिल्कुल वैसे लंबा जैसे यूका प्लांट होता है। इस प्लांट के फिनोटाइप को देख के बोला गया, पहले इस जीन का नाम पता नहीं था, पहले इस जीन को एक्स जीन लेकर काम किया गया। एक जीन है उसका डोमिनेंट म्यूटेशन देखने को मिला कि जिसकी वजह से ऑक्सिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और प्लांट में क्या हो गया, प्लांट में जो है एकदम बहुत ज्यादा हाइट आ गई, बिल्कुल वैसी हाइट जैसे यूका प्लांट की हाइट देखने को मिलती है। तो हेंस बोला गया कि चलो एक काम करते हैं, इस जीन का नाम भी यूका रख लेते हैं। तो हेंस इस तरीके से यूका आ गया। मेटाबॉलिज्म के इजी पाथवे हैं मैम, अच्छा बेटा, कि सियाई बिल्ली खंबा नोचे, सब पता है हमको, पढ़ा रहे हो, हमने भी पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री, हमने भी पढ़ा है मेटाबॉलिज्म, हमको ना बताओ कितना इजी है, हम देखे हैं कितना इजी है, कितना इजी है कि 5 मिनट में भूल जाते हैं हम। ओके,
That is what mentioned here. The mutant name was derived from the phenotype of the adult plant, which exhibit increased apical dominance, tall inflorescence, and narrow and epinestic leaves, reminiscence of the yucca plant. यानी ये जो apical dominance का ज्यादा हो जाना, यानी apical part बहुत बड़ा हो जाना, बहुत ज्यादा tall structure हो जाना उसका, और जो लीव्स होते हैं उनका नीचे की तरफ थोड़ा झुका रहना, दैट इज एपिनेस्टिक लीव्स. ये सब फीचर्स यूका प्लांट के हैं, और ये सारे फीचर्स हमको इस Arabidopsis thaliana में देखने को मिल रहे थे, जिसमें यूका जीन म्यूटेटेड था, एंड दैट इज वाई इस जीन को नाम दे दिया गया यूका जीन. अ सिमिलर फिनोटाइप कैन बी सीन इन द Arabidopsis म्यूटेंट ओवर एक्सप्रेसिंग द यूका 6 जीन. और अगर आप यूका 6 जीन को भी ओवर एक्सप्रेस कर देते हो, तो सेम इसी टाइप का आपको म्यूटेंट फिनोटाइप देखने को मिलेगा, जिसमें प्लांट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. यस, Arabidopsis thaliana की बात हो रही है. Arabidopsis thaliana प्लांट इतना ज्यादा लंबा हुआ मानो कि वो यूका जैसा है. जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में जो लोग बहुत ज्यादा हाइट लेते हैं, हम कैसे कहते हैं अमिताभ बच्चन बनोगे क्या, राइट? अमिताभ बच्चन की हाइट लोगे क्या? क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइक हाइट स्टैंडर्ड, जिसमें कि हमको पता है कि वो बहुत लंबे हैं. तो हम आते जाते जो जिन लोगों को हम पहचानते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, उनको हम उनके साथ कंपेयर कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट. वैसे ही Arabidopsis thaliana को यूका प्लांट से कंपेयर कर दिया गया, कि भाई जैसे यूका प्लांट का लंबा हाइट होता है, उसके कंपेरिजन में जो है, जब Arabidopsis thaliana में यूका जीन म्यूटेट हो रहा है, तो उसका भी फिनोटाइप वैसा ही हो जा रहा है, दैट इज एकदम लंबा, और फीचर्स भी वैसे ही. अब बेटा रो के करो या गा के करो या हंस के करो या नाच के करो, तैयारी तो करनी है आपने, है ना? तो बेटर है थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो. अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट देखिए, वाइल्ड टाइप प्लांट है यहाँ पे Arabidopsis. दिस इज अ वाइल्ड टाइप Arabidopsis thaliana, राइट? और यहाँ पे दूसरी तरफ यूका 6 1D, यूका 6 जो जीन है, जैसे यहाँ पे बोला गया था यूका 6 जीन में भी सेम यही केस मिलता है. तो यूका 6 जीन है, और डिटेल में बताया गया, दैट इज इट इज अ 1D टाइप, और इसको आगे चल के डिवाइड कर दिया गया है. तो उसका म्यूटेशन में आप देख सकते हैं कि इसका हाइट कितना ज्यादा हो गया. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन देखा गया. हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन किसने क्या किया? इसने एपिकल डोमिनेंस करवा दिया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये कहानी थी यूका 6 जीन से रिलेटेड म्यूटेशन केसेस की. उससे सवाल अभी बने नहीं है, बट आई एम डैम श्योर आने वाले कुछ अटेम्प्ट में जो है उससे सवाल आने लगते हैं. अब समझते हैं ऑक्सिन के टॉक्सिसिटी को. ऑक्सिन का अगर हाई कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, तो वो एकदम टॉक्सिन की तरह काम करेगा, जहर की तरह काम करेगा प्लांट के लिए. इसीलिए प्लांट की कोशिश यही रहती है कि ऑक्सिन का कभी लेवल इतना हाई ना हो जिससे कि उसको ये फेस करना पड़े, एंड दैट इज वाई प्लांट के पास अपने मैकेनिज्म है. एग्जाम्पल, ऑक्सिन इज टॉक्सिक एट हाई सेलुलर कंसंट्रेशन. सेल के अंदर ऑक्सिन अगर ज्यादा पहुंच गया तो वो टॉक्सिन की तरह काम करेगा, एंड विदाउट होम्योस्टैटिक कंट्रोल द हॉर्मोन कुड इजिली बिल्ड अप द टॉक्सिन लेवल. और अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं किया गया, वो जो रेगुलेशन मैंने आपको दिखाया था कि बढ़ाना है तो क्या प्रोसेस लगेंगे, घटाना है तो क्या प्रोसेस लगेंगे, तो ये अगर बैलेंस नहीं किया गया तो ये ऑक्सिन जो है टॉक्सिक लेवल तक बढ़ जाएगा, जिससे कि प्लांट में हार्म देखने को मिलने लगेगा. इसीलिए ऑक्सिन कैटाबॉलिज्म देखा जाता है, यानी ऑक्सिन की ब्रेकडाउन देखी जाती है बाय कॉन्जुगेशन टू द हेक्सोज शुगर एंड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन इंश्योर द परमानेंट रिमूवल ऑफ द एक्टिव हार्मोन व्हेन द कंसंट्रेशन एक्सीड द ऑप्टिमल लेवल और व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन इज कंप्लीटेड. तो क्या किया जाता है? ऑक्सिन कैटाबॉलिज्म है, यानी ऑक्सिन को जब ब्रेक किया जाता है या बॉडी से हटाया जाता है, तो उस टाइम पे ऑक्सिन को क्या किया जा रहा है? हेक्सोज शुगर से कॉन्जुगेट कर दिया जा रहा है. ठीक है, यानी ऑक्सिन जो है इट विल गेट कॉन्जुगेट विथ हेक्सोज शुगर. समझ लीजिए कि शुगर ने ऑक्सिन को पकड़ लिया. ठीक है,
अब शुगर ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो भाई ऑक्सीजन फ्री नहीं है, नो फ्री ऑक्सीजन फॉर एक्शन, अब ये अरेस्ट हो गया है। या फिर क्या किया जाता है, या फिर जो है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन किया जाता है, जिससे कि अगेन क्या होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है। कोवेलेंट कॉन्जुगेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू दी आईएए कैन आल्सो रिजल्ट इन द परमानेंट इनएक्टिवेशन। और अगर आप ऑक्सीजन को अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर देते हो तो उस केस में आप परमानेंटली इनएक्टिव कर सकते हो ऑक्सीजन को, दैट इज परमानेंट इनएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर रखी है आपके सामने, ये रिसर्च गेट से पिक्चर ली रखी है मैंने। अब इसको अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि आपको चक्कर आ जाएगा, राइट, बट सब पे फोकस नहीं करना है, जिस पे बोलूंगी सिर्फ फोकस उसी पे करना है। यहाँ पे जैसे कि बता के रखा है मेनली जो ट्रिप्टोफैन यूज होता है वो होता है एल ट्रिप्टोफैन इन बायोसिंथेसिस। इन एंजाइम्स के बारे में मैंने बताया कि इनकी प्रेजेंस में जो है हमें इंडोल 3 एसिटल लॉक्सिम मिल रहा था, उसके बाद हमें IAN मिला था, तो यहाँ पे IAN पाथवे रन हुआ है और यहाँ पे IPA पाथवे यूज हुआ है। फिर उसके बाद आप साफ साफ देख सकते हो कि हाँ यूकाजीन के द्वारा IAA बनाया जाता है। ओके, तो हमारी ये जो ये स्लाइड की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। तो ये वाली जो ऊपर वाली कहानी थी वो किससे शुरू थी, वो बायोसिंथेसिस को दिखा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे जीन्स अच्छे से मेंशन है, वहां पे मैंने बनाए हैं, यहाँ पे मेंशन है, इसलिए इसको एक साथ कनेक्टिंग स्लाइड में रखा गया है। अभी जो IAA बना है, देखिए अगर मान लीजिए ये अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट होता है तो उसमें मदद करेंगी GH3 फैमिली। GH3 फैमिली जो होंगी उसमें आ जाती है GH3.1497, इतना डिटेल याद नहीं करना है, आप सिर्फ याद रख लीजिए GH3 फैमिली मदद करेगी अमाइनो एसिड को ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेट करके उसको परमानेंटली इनएक्टिव करने में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ गया है सेल के अंदर। या फिर इसको अगर मान लीजिए एक तरीके से IAA को जो है ग्लूकोज के साथ कॉन्जुगेट करना है तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, UGT84B1 की। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ये एक्सेस एडिशनल बता रही हूँ, यहाँ के लिए फिलहाल में इम्पॉर्टेंट ये वाला है सिर्फ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जैसा लगता है कि मे बी ये आ सकता है, बाकी जो बता रही हूँ वो एडिशनल का भी और एडिशनल बता रही हूँ सेफ साइड के लिए बस। ठीक है, और अगर मान लीजिए IAA को 2-ऑक्सीनोडोल-3-एसिटिक एसिड में ही कन्वर्ट करना है डायरेक्टली तो इसके लिए DAO यूज होगा। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं सेल में, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन को देखा गया है कि स्टोर करने के लिए भी उसको कुछ अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर दिया जाता है ताकि उसको स्टोर किया जा सके। अंशिका जी, डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होता है? हमने डेप बायो में डोमिनेंट रिसेसिव म्यूटेशन पढ़ा है तो उससे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होता है। रोहित, यूकाजीन काम नहीं करेगा इसीलिए प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। यूकाजीन काम नहीं करेगा तो हेंस वो ये जीन नहीं बनाएगा, ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं बनाएगा जो ऑक्सीजन को बना रहा है, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो प्लांट छोटा हो जाएगा ना, तो ये क्या क्या बोल रहे हैं आप। डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ओवर एक्सप्रेस करना, गेन ऑफ फंक्शन करना। डेप बायो पूरा खत्म हो गया, वहां डोमिनेंट म्यूटेशन भी देखा था हमने और रिसेसिव भी देखा था, साफ साफ इसमें भी चीजें बताई गई हैं कि ओवर एक्सप्रेस हुआ है यहाँ पे यूकाजीन का। डोमिनेंट केस में क्या होता है, डोमिनेंट केस में यहाँ पर यूकाजीन का जो भी जीन में अगर डोमिनेंट म्यूटेशन होता है जब तक उसके साथ नेगेटिव वर्ड ना जोड़ा हो उसको एजम्पशन नहीं कर लेना है कि लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है।
यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन की बात की गई है, क्योंकि खुद सोचिए ना, अगर यूकाजीन बहुत ज्यादा काम करेगा, यूकाजीन का ओवर एक्सप्रेशन हुआ है, इफ इट इज वर्किंग मोर देन मोर एंजाइम, ज्यादा एंजाइम होगा तो और ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा तो प्लांट की हाइट जो है वो और ज्यादा होगी। और अगर आप ओवर एक्सप्रेशन इसका देख रहे हो तो ऑब्वियसली अब ये नॉर्मल केस में तो आ नहीं रहा, ये एक म्यूटेशन केस है, राइट? यूका जीन ने जो है अपना गेन ऑफ फंक्शन कर लिया है, जिसमें कि वो ओवर एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन पढ़ा, ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस पढ़ा, फिर हमने समझा कि ऑक्सीजन को स्टोर या डिग्रेड या कैसे क्या उसको उसकी होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जब सिंथेसिस पढ़ रहे हो तो आप पॉजिटिव रेगुलेटरी फैक्टर देख रहे हो, जब उसका एक तरीके से डिग्रेडेशन या ब्रेक डाउन या सिक्वेस्ट्रेशन देख रहे हो तो उस टाइम पे यानी आप ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि कुछ प्राइमरी लोकेशन ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। वर्चुअली देखा जाए तो प्लांट का हर एक टिश्यू मतलब ऑक्सीजन को सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन हर कंडीशन में सिंथेसाइज नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ऐसा पॉसिबल होता है। यानी प्लांट में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो समझिए जरा, यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। बेसिक समझा रही हूँ हाँ, ट्रांसपोर्ट का, स्पेशली नॉन बॉटनी वालों के लिए, बॉटनी वालों को मे भी ये चीजें जो है काफी हद तक पता होंगी। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ प्लांट, लेट सपोज ये वाला एरिया फाइटोहार्मोन के सिंथेसिस का है, लेकिन इस हार्मोन को काम करना है इस एरिया में, एक्शन साइट, तो हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन को ट्रैवल करना पड़ेगा, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट के केस में जो हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स ये क्या करेंगे, ये From area of synthesis, या फिर origin, वहां से ये कहाँ travel करेंगे, it will travel to the area of action, ठीक है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, इसी को ही हम जो है transport या movement कह रहे हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से दो तरीके, एक तो हो सकता है जिसके पास डायरेक्शन हो और एक हो सकता है जिसके पास डायरेक्शन ना हो, इट इज नॉन डायरेक्शनल
और एक वो होगा जिसका डायरेक्शन फिक्स होगा, डायरेक्शन को हम पोलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट, और नॉन डायरेक्शन को हम नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब जहां पे डायरेक्शन फिक्स होता है, डायरेक्ट मतलब कि आपको पता है कि कहां से कहां जाने वाला होता है, मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट पे ये जाएगा, और डायरेक्शन फिक्स होता है, तो डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट के हमें और भी टाइप मिलते हैं, इनको और दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल, राइट? एनी आइडिया व्हाट इज एक्रोपिटल एंड व्हाट इज बेसिपिटल? एक्रो, एक्रो वर्ड, दैट इज एपेक्स, यानी ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है टू वर्ड्स द एपेक्स, और ये एपेक्स क्या हो सकता है, ये एपेक्स हो सकता है रूट एपेक्स या फिर शूट एपेक्स। एपेक्स यानी एपिकल पोर्शन, शूट एपिकल के पास जाएगा या तो रूट एपिकल के पास जाएगा, और बेसिपिटल क्या होता है, बेसिपिटल बेसी यानी बेस, ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, टूवर्ड द बेस। यस, इज दिस क्लियर? Yes. तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है जनरली, अगर मैं ऑक्सिन की बात करूं, तो अगर ये प्लांट है, ये प्लांट का जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, तो मैं अगर सेल को ऐसे प्लेस करती हूँ कि ये एक सेल है, फिर एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये सेल है, तो मैं आपको प्लास्ट में कवर कर देती हूँ, राइट? तो ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना यहाँ पे, वो सेल टू सेल होता है, बताऊंगी कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे ट्रांसपोर्ट में। और क्योंकि ये जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये वैस्कुलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखा गया है कि ये जो है इन फ्लोयम, फ्लोयम में ही ये भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ये था बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर हो गया होगा, ये सारे नए नए वर्ड स्पेशली नॉन बॉटनी वालों के लिए डन हो गए होंगे कि ये सब क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब और अच्छे से समझ में आएगा, राइट? बेसिक्स डील कर लिया तो अब ये पिक्चर टफ भी नहीं लगेगा आपको। तो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट जो है वो शूट एंड रूट एपेक्स से रूट एंड शूट ट्रांजिशन जोन में हो सकता है। ट्रांजिशन जोन यानी ये देखिए, ये देख रहे हैं, पिक्चर दिख रही होगी अच्छे से, क्लियर? ये है रूट एंड शूट जंक्शन या रूट एंड शूट ट्रांजिशन जोन, मतलब कि एक ऐसा जोन जहां पे रूट खत्म होके शूट शुरू हो रहा है, अगर मैं रूट की बात करूं तो, या फिर एक ऐसा जोन जहां से शूट खत्म हो गया और रूट शुरू हो रहा है, अगर मैं शूट की बात करूं तो, यानी ये रूट शूट ट्रांजिशन जोन है, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, यानी रूट से शूट में और शूट से रूट में ट्रांजिशन हो रहा है। इस जोन को हम, या इस जगह को हम बेस कहेंगे, इसको हम बेस कंसिडर करते हैं। यानी अगर ऑक्सिन अगर इस टिप में प्रोड्यूस हुआ है और ये क्या कर रहा है, और ये टूवर्ड द बेस जाएगा, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर मान लीजिए ऑक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और वो भी टूवर्ड द बेस ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। यानी ऑक्सिन जो है शूट या रूट एपेक्स एरिया से टूवर्ड द बेस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये मैं रिमूव कर देती हूँ, कि इस एरिया में, इस एरिया में लेट्स कंसीडर कि ऑक्सिन ज्यादा है,
ठीक है, और अब उसको टूवर्ड द एपेक्स ट्रैवल करना है, तो वो टूवर्ड्स द रूट एपिकल पोर्शन ट्रैवल करेगा एंड या फिर वो टूवर्ड्स द शूट एपिकल पोर्शन ट्रैवल करेगा। दोनों ही केस में एपेक्स यानी एपिकल रीजन की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट, राइट। ये रहा शूट एपेक्स, ठीक है, ये रहा रूट एपिकल पोर्शन, और ये रहा रूट शूट जंक्शन बेस यानी रूट शूट ट्रांजिशन जोन। सो रूट वर्ड ट्रांसपोर्ट टू ऑल ऑक्सीजन फ्लो टूवर्ड द रूट एपेक्स एंड शूट वर्ड ट्रांसपोर्ट टू एनी डायरेक्शनल फ्लो अवे फ्रॉम द रूट एपेक्स। तो शूट वर्ड जाएगा तो हम बोलेंगे कि रूट से दूर जा रहा है ट्रांसपोर्ट, और टूवर्ड द रूट जाएगा तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन रूट में आ रहा है, ठीक है। शूट वर्ड एंड रूट वर्ड पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और इसी को हम पोलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग अ आइडिया कि कहां से कहां जा रहा है। हम कह रहे हैं ना एक्रोपिटल बेसिपिटल, तो यही होते हैं क्या पोलर ट्रांसपोर्ट, बिकॉज वी आर हैविंग अ अवेयरनेस अबाउट द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके लिए हम अवेयर हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और ऑक्सीजन में पोलर ट्रांसपोर्ट बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पोलर ट्रांसपोर्ट कि पोलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सो पोलर ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट इधर अप एंड डाउन इन द ग्रास कोलियोप्टाइल स्टेम रूट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट इंक्लूडिंग द बायोफाइट्स एज वेल एज फॉर्न। बेसिपिटल में बता दिया कि क्या होगा, क्लियर हो गया ये चीज। ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द अदर कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम सैप कैन मूव थ्रू दीज लीव्स और अप और डाउन इन द प्लांट। तो फ्लोएम सैप के अंदर ही ऑक्सीजन भी पाया जाता है, यानी फ्लोएम सैप में जो फाइटो हार्मोन का कंपोजिशन था उसमें ऑक्सीजन भी था, तो ऑक्सीजन भी जो है फ्लोएम में ही ट्रांसफर होता है एक एरिया से दूसरे एरिया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ओके, चलिए अब समझते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहां पे थोड़ी सी कहानी वगैरह लेनी पड़ेगी, चलो अब इससे पहले कहानी इसको शुरू करें हमको थोड़ा सा इसका भी बेसिक्स डील करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिक समझ लेंगे तो हमको एक बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो समझिएगा जरा कि जो ऑक्सीजन होता है वो अपने दो फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा फॉर्म, एक होता है प्रोटोनेटेड यानी जिसके पास प्रोटोन होगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं IAAH, और एक होता है डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो अपना एच लूज कर चुका होता है यानी IAA-, ठीक है। अब जो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ये है दैट इज हाइड्रो, हाइड्रोफोबिक बोलिए या लाइकोफिलिक बोलिए आपकी मर्जी है। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से डर लगता है, लाइकोफिलिक मतलब जिसको लिपिड से प्यार है यानी लिपिड लविंग है ये, राइट। तो क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक है जिसकी वजह से क्या होगा इसके लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ये लिपिड लविंग है और मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है तो इजीली ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। इसीलिए इस फॉर्म में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो देखा जाएगा कि ये पैसिव बेसिस पे इजीली सेल के अंदर एंट्री ले लेगा यानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो डी प्रोटोनेटेड IAA- फॉर्म होता है ये होता है हाइड्रो फिलिक, इसीलिए इट कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मली जस्ट लाइक द पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए अगर इसको आपको ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा प्रोसेस लेना पड़ेगा जिसमें कि एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये दो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों फॉर्म को हमें ट्रांसफर करना है सेल के अंदर।
क्लियर? यस, तो पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हमारी कहानी पे। होता क्या है, देखिए जो IAAH है यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ये लाइपोफिलिक है और लगभग ये सेल के अंदर 15-25% मतलब जितना ऑक्सीजन पाया जाता है उतने ऑक्सीजन में 15-25% अमाउंट जो है इस प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो वो प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन अगर उसका रिमूव हो गया है तो आयोनिक फॉर्म हो गया या डी प्रोटोनेटेड फॉर्म हो गया। अब जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो आयोनिक फॉर्म माना जाता है और वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। वैसे भी जो आयन चार्ज आयन्स होते हैं, आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा, ज्यादातर केस में मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसको जरूरी होता है किसका, सिंपोर्टर का। सिंपोर्टर के द्वारा ये क्या करता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है अपना और सेल के अंदर जा पाता है, क्योंकि इसको सिंपोर्टर की जरूरत है। तो सिंपोर्टर यहाँ इसके पास जो होते हैं वो होते हैं OX1 या फिर LACS, ठीक है। सो OX1 या फिर LACS यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सेल है, सेल का ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है एपोप्लास्ट, राइट, और ये वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन क्या है, दैट इज सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का पीएच देखा जाता है कि ये लगभग एसिडिक पीएच होता है एपोप्लास्ट का, जबकि सिम्प्लास्ट में जो पीएच होता है वो न्यूट्रल देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं। ये जो मैंने चीजें बताई वो थी बेसिक क्लियरेंस और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये है ऑक्सीजन का एक तरीके से पोलर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, इसे हम कीमो ऑस्मोटिक मॉडल ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब कहानी चलिए शुरू करते हैं। मैं इमेजिन करती हूँ यहाँ पर, लेट सपोज कि एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट में इस तरीके से सेल अरेंज है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये जो सेल आपको दिख रहा है ये रहा क्या, ये रहा सेल वॉल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे एपोप्लास्टिक रीजन, दिस इज अ एपोप्लास्ट, राइट। इसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन है साइटोसोल, अंदर वाला पोर्शन है साइटोसोल, और ये इसी को हम क्या कह सकते हैं, सिम्प्लास्ट कहेंगे। ओके, अब क्या होता है, देखिए लेट्स सपोज कि यहां पर ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है। अब ऑक्सीजन दो फॉर्म में एंट्री ले सकता है, इमेजिन कीजिए अगर ऑक्सीजन IAAH फॉर्म में एंट्री ले रहा है, कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्योंकि ये लाइपोफिलिक है तो ये इजिली डिफ्यूज होके साइटोप्लाज्म में चला आएगा। लेकिन अगर ये IAA- फॉर्म में एंट्री ले रहा है तो उस केस में इसको यहाँ पे सिम्पोर्टर की जरूरत पड़ेगी। सिम्पोर्टर में भी कौन से, यहाँ पर परमेज H+ को ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल होंगे, यानी ऐसे यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर होंगे जो कि H+ आयन को एज वेल एज IAA- दोनों को एक साथ अंदर भेजेंगे। तो यहाँ पे ये परमेज H+ को ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब क्या हुआ, IAA- अंदर आ गया, एक IAAH डिफ्यूजन के थ्रू आया और आयोनिक फॉर्म ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया, ये दोनों अंदर की तरफ चले आते हैं, और अंदर में आने के बाद यहाँ पे जो pH 7 होता है, इस pH पे जो हाईएस्ट कंपोजिशन पाया जाता है ऑक्सीजन का वो होता है IAA-, यानी IAA- साइटोसोल में डोमिनेटिंग होता है, इसलिए जो IAAH आता है वो इस pH पे डिसोसिएट होके डी प्रोटोनेटेड हो जाता है। अब क्या होगा, देखिए साइटोसोल में ज्यादातर जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में पाया जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर में अंदर आया है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या होते हैं, H+ ATPase प्रेजेंट होते हैं, वो H+ ATPase के द्वारा जो हाइड्रोजन अंदर आया है वो क्या करता है, वो एपोप्लास्टिक रीजन में डायरेक्टली पंप कर दिया जाता है। ये H+ आयन बार बार एपोप्लास्टिक रीजन में पंप किया जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एपोप्लास्ट जो है pH 5 लेकर क्यों बैठा है, एसिडिक क्यों है,
क्योंकि एच प्लस आयन कंट्रीब्यूट करता है एसिडिटी में। अब ये आई ए माइनस जो है इस सिम्प्लास्ट में चला आया। अब क्या जरूरी है, ये क्या इसी सेल में रह जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी भी अपने टारगेट सेल में नहीं पहुंचा है। अब ये सेम यही काम जो है अगले सेल में भी करेगा। तो जरूरी है कि ये एक सेल के साइटोप्लाज्म को छोड़ के अब दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में एंट्री ले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस सेल के इस पर्टिकुलर पोर्शन को यानी सिम्प्लास्ट को छोड़ के निकलना पड़ेगा एपोप्लास्ट में, एंड देन दूसरे सेल के एपोप्लास्ट में एंट्री लेके देन उसके सिम्प्लास्ट में एंट्री लेनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि आई ए माइनस को यहाँ पे एग्जिट लेने के लिए बेसल लेवल पे यानी बेस में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है पिन प्रोटीन। ये पिन प्रोटीन बेसल एंड में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इस पिन प्रोटीन के द्वारा ये आई ए माइनस बाहर निकलेंगे और फिर ये रेडी रहेंगे यहां पर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ डी प्रोटोनेटेड फॉर्म या फिर ये हाइड्रोजन को गेन करके प्रोटोनेटेड फॉर्म ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्म हो ये यहाँ पे एपोप्लास्ट में प्रेजेंट रहेंगे और फिर ये रेडी हैं अगले सेल में एंट्री लेके पूरा का पूरा वापस से यही रिएक्शन करने के लिए। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो एग्जिट ले रहा है ऑक्सीजन, इसमें भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसे भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर। अगर हम अब इनके प्रोसेस पढ़ लें, स्टेप पढ़ लें, तो क्या क्या बोला गया है, आई ए माइनस एंटर द सेल ईदर पैसिवली इन द अनडिसोसिएटेड फॉर्म और बाय द सेकेंडरी एक्टिव को ट्रांसपोर्ट इन द एनायोनिक फॉर्म। द सेल वॉल इज मेंटेन्ड एट एसिडिक पीएच बाय द एक्टिविटी ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एच प्लस एटीपेज। In the cytosol which has a neutral pH, the anionic form IAA minus predominates. The anion exit the cell via the oxygen anion efflux carrier that are concentrated at the basal end of each cell in the longitudinal pathway. और इस तरीके से जो है जो ऑक्सीजन है वो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सेल में इस तरीके से पास होके डायरेक्टली अपने टारगेट सेल में ट्रांसपोर्ट। नहीं अजय, एपोप्लास्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि जो एग्जिट प्रोटीन है जो इफ्लक्स करवाएगी वो प्रोटीन यहाँ पे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। तो एपोप्लास्ट में रहकर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो मुलाकात नहीं हो सकती ना, तो उसको सिम्प्लास्ट में एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा दैट इज द परमेज एच प्लस को ट्रांसपोर्टर, इसी को हम सिम्पोर्टर कह रहे हैं, इसी को हम ऑक्स वन कह रहे हैं, ऑक्स वन भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसे लैक्स भी कह सकते हो। लैक्स हो गया दैट इज लाइक ऑक्स वन, ठीक है, इसलिए हम इसे लैक्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इस एरिया में जो प्रोटीन काम कर रहा है दैट इज पिन प्रोटीन, पिन प्रोटीन, पिन प्रोटीन यहाँ पे इफ्लक्स कर पाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तो ये होता है पोलर ट्रांसपोर्ट कि कौन सी चीज कहाँ कैसे मूव कर रही है। एक बार और अगर डिफाइन किया जाए तो एपोप्लास्ट में प्रोटोनेटेड डी प्रोटोनेटेड फॉर्म दोनों पाए जाते हैं। प्रोटोनेटेड फॉर्म पैसिवली डिफ्यूज करके सिम्प्लास्ट में एंट्री ले लेता है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वह एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद सिम्प्लास्ट में क्योंकि पीएच 7 है तो हेंस यहाँ पे प्रीडोमिनेटिंग फॉर्म आयोनिक फॉर्म होता है, इसलिए जो प्रोटोनेटेड फॉर्म भी आया है ऑक्सीजन का वो भी डी प्रोटोनेटेड हो जाता है। अब ये जो आयोनिक फॉर्म में ऑक्सीजन है ये सिम्प्लास्ट में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब वो रेडी रहता है अगले सेल में एंट्री के लिए, जिसके लिए पहले उसको इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके लिए बेसल बेस एरिया में जो है पिन नाम के इफ्लक्स प्रोटीन होते हैं जो कि ऑक्सीजन को इफ्लक्स करने में मदद करते हैं और देन उसको इफ्लक्स करके जो है दूसरे सेल के एपोप्लास्टिक रीजन में एंट्री दिलवाते हैं, एंड देन फिर से ये यही सेम पाथवे जो है अगले सेल में भी चलने को रेडी रहती है, ओके फाइन। अच्छा, एक ये भी पोर्शन है, इसे आप एक्स्ट्रा ही कंसिडर करके चलिए फिलहाल में, मैं फिर भी इसका एक रफ व्यू दे रही हूँ।
अभी जो हमने पाथवे पढ़ा ना वो इन जनरल पाथवे था, मतलब कि हम वही पाथवे कंसिडर करते हैं। लेकिन फिर कहानी क्या आती है कि जो छोटे सेल होते हैं जैसे कि मेज प्लांट, मेज प्लांट में जो सेल होते हैं वो ज्यादा इलांगेटेड नहीं होते, जैसे इसमें हमने देखा इसमें जो सेल्स थे वो थोड़े थोड़े इलांगेटेड है। अब जो बहुत छोटे छोटे सेल्स वाले जो प्लांट होते हैं जैसे कि हो गया मेज प्लांट, तो उनके केस में क्या होता है, उनके केस में जो ऑक्सीजन एपोप्लास्ट में चला जाता है उस ऑक्सीजन को वापस से सिम्प्लास्ट में आने की मतलब कि एक तरीके से परमिशन नहीं दी जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो कि हमें स्मॉल सेल्स में देखने को मिलता है उसमें बैक डिफ्यूजन जो होता है ऑक्सीजन का उसे प्रिवेंट किया जाता है, और उसको प्रिवेंट करने में एक प्रोटीन मदद करती है जिसका नाम है ABCB प्रोटीन। ABCB प्रोटीन क्या होती है, इट इज ATP बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन, और ये बी क्लास की होती है, ठीक है, दैट इज ABCB प्रोटीन। इसमें कहानी क्या चलती है जरा सा समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन H+ATPase पंप प्रोटोन इनटू द एपोप्लास्ट। तो हमको जैसे कि पता है देखिए कि IA- जो है इजीली डिफ्यूज कर जाएगा, और जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा उसे उस प्रोटोनेटेड फॉर्म को आने के लिए जो है वो हमें ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो H+ आयन अंदर आया है वो क्या करेगा, वो H+ आयन H+ ATPase के थ्रू एपोप्लास्ट रीजन में मूव करता रहेगा। एसिडिटी ऑफ एपोप्लास्ट अफेक्ट द रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय अफेक्टिंग द रेशियो ऑफ IAAH एंड IAA- प्रेजेंट इन द एपोप्लास्ट। अब क्योंकि यहाँ पे pH का डिफरेंस चला आ रहा है, इस डिफरेंस की वजह से हमें पता होता है कि हाँ कहाँ पे कौन सा फॉर्म डोमिनेटिंग रहेगा। प्रोटोनेटेड फॉर्म कैन एंटर द सेल विया द प्रोटोन सिम्पोर्टर सच एज OX1 That is in blue. Once inside the cytosol, IAA is an anion and may only exit the cell via the active transport. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये small cell की हम बात कर रहे हैं, तो small cell के case में क्या हो जाता है कि यहाँ पर IAAH जो है ये directly diffuse भी हो सकता है या फिर ये OX1 protein की भी मदद ले सकता है, दोनों काम कर सकता है। किसमें, small cells की बात हो रही है, exclusivity ध्यान रखिएगा, small cells की बात हो रही है। तो IAA- जो डायरेक्टली भी डिफ्यूज हो सकता है या फिर OX1 प्रोटीन की भी मदद ले सकता है, लेकिन अगर वो एक बार सिम्प्लास्ट में चला आया तो वो IAA- फॉर्म में आ जाएगा, और IAA- फॉर्म में आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही सेल से एग्जिट ले सकता है। जहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिन प्रोटीन है, वो ATP का इस्तेमाल करके ही IAA- को बाहर जाने दे रही है। ओके, नेक्स्ट, ABCB प्रोटीन आर लोकलाइज्ड नॉन पोलरली ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कैन ड्राइव एक्टिव ATP डिपेंडेंट ऑक्सीजन इफ्लक्स। अब क्या होता है, ABCB प्रोटीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मतलब सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिस पे अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये पोलर तरीके से सिचुएटेड नहीं है, मतलब कि एक डायरेक्शन में ये सिचुएटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे रेड कलर वाला जो है ABCB प्रोटीन है, ये देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर देखिए, फिर इधर भी प्रेजेंट है, फिर इधर भी देखिए। तो इस वजह से क्या है, ये जो प्रोटीन है इसका कोई पोलर लोकेशन नहीं है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है प्रेजेंट रहने का। तो वही बोला है कि नॉन पोलरली तरीके से जो है ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, हर एक एरिया में प्रेजेंट है, और ये मदद करती है ATP को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को एग्जिट लेने, यानी सिम्प्लास्ट को छोड़ के एपोप्लास्ट में आने। सिनर्जिटिकली इनहेंस एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट अकर व्हेन द पोलर लोकलाइज्ड पिन प्रोटीन एसोसिएटेड विद ABCB प्रोटीन ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ बैक डिफ्यूजन। और अगर देखा जाता है कि अगर पिन प्रोटीन मेनली ABCB प्रोटीन के साथ मिलकर अगर ट्रांसफर कर रही हैं ऑक्सीजन को, तो उस केस में बैक डिफ्यूजन प्रिवेंट हो जाता है, यानी वो ऑक्सीजन जो कि आया है सेल के अंदर, वो मतलब एपोप्लास्ट में चला आया है, जिस सेल से वो निकल के आया है वापस से वो उसी सेल में डिफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे ABCB प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बैक डिफ्यूजन को रोकती है। ओके, एक बार फिर से मैं पूरा का पूरा वो कर देती हूँ। तो कहानी क्या है, ये कुछ सेल जो छोटे छोटे होते हैं
उनमें जो है बैक डिफ्यूजन का इश्यू होता है कि हाँ ऑक्सीजन अगर जिस सेल को छोड़ के एपोप्लास्ट में आया है वापस से उसी सेल में भी डिफ्यूज होने का रिस्क रहता है। इस वजह से जो है ABCB प्रोटीन नाम के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉन पोलर तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, यानी उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जिसमें कि प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है बाई डिफ्यूजन या ऑक्सीजन के द्वारा सेल के अंदर एंट्री ले सकता है। एच प्लस आयन जो भी हमको सिम्प्लास्ट एरिया में दिखते हैं वो सारे के सारे एच प्लस आयन एपोप्लास्ट में एग्जिट लेते रहते हैं। इसके अलावा जो एच प्लस आयन है उनको फिर एग्जिट भी लेना है क्योंकि उनको नेक्स्ट सेल में पहुंचना है, जिसकी वजह से जरूरी होता है कि पिन प्रोटीन एंड ABCB प्रोटीन एक साथ काम करें, क्योंकि जब ये एक साथ काम करते हैं तो ये बैक डिफ्यूजन को रोक पाते हैं, यानी वापस से ऑक्सीजन पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता है, स्पेशली उस सेल में जिस सेल को वो छोड़ गया है। ये बस कहानी है। ओके, कुछ म्यूटेशन केस देख लेते हैं। मान लीजिए ऑक्स1 में म्यूटेशन हो गया, तो ऑक्स1 क्या है देखिए, ऑक्स1 क्या कर रहा है, ये इनफ्लक्स करवा रहा है ऑक्सीजन, राइट। तो क्या होगा, शूटवर्ड ऑक्सीजन फ्लो इन ऑक्स1 म्यूटेंट ऑफ अरेबिडोप्सिस आर कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड रिजल्टिंग इन द ए ग्रेविट्रॉपिक रूट ग्रोथ। यानी कि ऑक्स1 क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, तो अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो ट्रांसपोर्ट में इश्यू होगा, और जो भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर अपने टारगेट सेल के पास जा रहे थे वो ट्रांसपोर्ट हैम्पर हो जाएगा, और उस ऑक्सीजन के थ्रू होने वाले जो भी प्लांट में रिस्पॉन्स थे उसमें भी हैम्परिंग होगा। नेक्स्ट आता है पिन1 प्रोटीन। पिन1 को हमने देखा कि ये इफ्लक्स करवा रहा था, इफ्लक्स रोल प्ले कर रहा था। तो होता क्या है कि अगर पिन1 में म्यूटेशन होता है तो जो अरेबिडोप्सिस का इनफ्लोरेसेंस होता है वो पिन शेप का हो जाता है, यानी प्लांट जो अपने एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में ग्रो हो रहा होता है वो पिन जैसा दिखने लगता है। आई थिंक यहाँ पिक्चर भी होगा, यस ये देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे मदद करता है, तो अगर ऑक्सीजन ठीक ठाक रहे तो उस केस में आप देख सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस ऐसे होती है, लेकिन अगर पिन1 में म्यूटेशन हो गया तो आप देखिए किस शेप में चला आया है। पिन1 म्यूटेंट इन विच द लोकलाइज्ड पोलर ऑक्सीजन ग्रेडियंट आर डिसरप्टेड, क्योंकि जो पोलर तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था वो डिसरप्ट हो जाता है। अगर ABCB प्रोटीन की बात करें, यानी ABC प्रोटीन ऑफ क्लास बी इन अरेबिडोप्सिस मेज की बात करें स्पेसिफिकली एंड द सॉर्गम रिजल्ट इन द ड्रॉफ म्यूटेंट of varying severity and in altered gravitropism and reduced oxygen efflux. तो अगर ABCB प्रोटीन में प्रॉब्लम हो जाता है तो जो छोटे छोटे सेल्स वाले प्लांट होते हैं जैसे कि हो गया मेज सॉर्गम, उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इफ्लक्स नहीं ले पाता है, जिस सेल में एंट्री ले गया है उस सेल के बाद वो इफ्लक्स नहीं ले पाता है, और ऑक्सीजन की वजह से होने वाली फंक्शनैलिटी जैसे कि हो गया ग्रेविट्रॉपिज्म, यानी रूट का ग्रेविटी की तरफ बढ़ना, ऐसे एक्शन जो है वो हैम्पर हो। नहीं, बैक डिफ्यूजन को हायर प्लांट्स में भी नहीं देता, जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनमें बैक डिफ्यूजन का इश्यू होता है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे ABCB प्रोटीन मदद करते हैं। तो जो हमने स्टडी की उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ABCB प्रोटीन था वो भी क्या कर रहा था, वो हमको स्मॉल सेल्स में ओके वेट अ मिनट, ठीक है चलिए ब्रेक लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
यस शुरू किया जाए। तो बात कर लेते हैं कुछ इनहिबिटर्स के बारे में जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं। इन्हें हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर यानी ATIs भी कहते हैं। इसे हम एंटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं जो इन केस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को जो स्पेसिफिकली रोकते हैं उसे हम ATIs मैक्सिमम तौर पे कहते हैं क्योंकि पता चलता है कि ये ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं। एग्जांपल हो गया इसका दैट इज टीबा 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया PBA दैट इज 2,1 पायरिनोइल बेंजोइक एसिड एंड देन NPA। NPA इज द 1 नैप्थेनाइल इथेमिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर आप इनको अप्लाई कर देते हो प्लांट के अंदर तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 मॉलिक्यूल जो कि आपके ATIs की तरह काम करते हैं। ओके चलो, तो बात करते हैं हम यहाँ पे सिग्नलिंग की। ठीक है, सिग्नलिंग के बाद हमारे पास आई थिंक सिर्फ फंक्शन बाकी है के बाद वी विल बी डन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब सिग्नलिंग क्यों करनी है और किस लिए करनी है, क्या लगता है? अभी जो हम इतने टाइम से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन अपना फंक्शन कैसे करेगा? ठीक है, ऑक्सीजन अपना फंक्शन कैसे करेगा? ऑब्वियसली उसके लिए उसको सिग्नलिंग करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन कितने कंडीशन में सिग्नलिंग कर सकता है? मान लीजिए प्लांट को जो है एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उस केस में जो है प्लांट सिग्नलिंग कर सकता है। इनफैक्ट मान लीजिए सिग्नलिंग कहीं भी इन्वॉल्व है, जैसे कि मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन जो है कभी कभी मतलब ऐसा भी पाथवे देखा गया है जहां पे वो जिब्रेलिक एसिड को पॉजिटिवली सपोर्ट करता है, यानी जिब्रेलिक एसिड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। तो फिर ऑक्सीजन अपने मतलब अपने से रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो करा ही रहा है, इसका रिलेशन किसी अदर हार्मोन से भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है जिब्रेलिक एसिड की भी मदद करता है पॉजिटिव बेसिस पे। ठीक है, ये भी पॉजिटिव बेसिस पे। और इसके अलावा ये देखा गया है कि ये इथिलीन के सिंथेसिस में भी मदद करता है, लेकिन कब करता है? जब ऑब्वियसली स्ट्रेस चल रहा हो, उस टाइम पे स्ट्रेस में इथिलीन रिस्पॉन्स होने वाला है। तो जब इतने सारे एक्शन में जब ऑक्सीजन पहला मॉलिक्यूल होगा जो जिसको एक्टिवेट होकर काम करना चाहिए, तो इन सारे केसेस में देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करेगा
और रोल प्ले कैसे करेगा, सिग्नलिंग करके रोल प्ले करेगा। अब हम इस सिग्नलिंग को जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। पाथवे इजी है लेकिन सबसे पहला वाला मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ये जो सिग्नलिंग पाथवे चलती है यानी ऑक्सिन के सिग्नलिंग पाथवे चलती है, हम कहते हैं इसको यूबिक्यूटिन 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे। इस पाथवे के थ्रू ये सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। यूबिक्यूटिन के बारे में एंड 26S प्रोटियोसोमल का जो डिटेल्ड मैकेनिज्म होता है, आई थिंक या तो वो आपको सेल बायोलॉजी में मिलने वाला है या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिलने वाला है, दोनों में से किसी एक में मिलने वाला है, जो इसका एकदम डिटेल मैकेनिज्म होता है। उतना डिटेल मैकेनिज्म वो प्लांट में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस का नाम चाहिए, फिर भी मैं डिटेल में बता दे रही हूँ कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो देखिए यूबिक्यूटिन्स क्या होते हैं, पहले ये पाथवे कैसे काम करता है ये हम समझते हैं। ये पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें कि मान लीजिए कोई एक प्रोटीन आया, इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो क्या किया जाएगा, ये 26S प्रोटियोसोमल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे डिग्रेड करेगा, देखिए ये रहा यूबिक्यूटिन नाम का छोटा सा प्रोटीन। इस यूबिक्यूटिन को एक्टिवेट करने के लिए E1 यहाँ पे काम करता है, ठीक है। E1 के काम करने की वजह से ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस प्रोटीन को अपने टारगेट प्रोटीन पे जाकर लगना है, दैट इज वाई यूबिक्यूटिन का एक्टिवेशन जरूरी है। अब E1 के द्वारा जो है ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या किया जाता है, ये यूबिक्यूटिन जो एक्टिवेट होकर रखा है E1 के ऊपर एक्टिवेट होकर रखा है, अब ये किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, E2 के ऊपर। यानी E2 के ऊपर जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो E2 क्या कहलाता है, यूबिक्यूटिनेटेड। जिन पे यूबिक्यूटिन स्टार्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं हम यूबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन्स। तो E2 के ऊपर यहाँ पे यूबिक्यूटिन स्टार्ट हो गया है। अभी जो यूबिक्यूटिनेटेड E2 है ये क्या करता है, इसका एक और पार्टनर है जिसका नाम है E3। ये E2 यूबिक्यूटिन के साथ E3 के साथ जाके बाइंड कर जाता है। E3 यहाँ पे हम इसको E3 लाइगेज कहते हैं, और E3 लाइगेज के साथ टारगेट प्रोटीन भी अटैच रहता है, ठीक है। पहले से ही नहीं अटैच रहता है, बाद में आके अटैच होता है। तो ये रहा टारगेट प्रोटीन जिसका हमें डिग्रेडेशन करवाना है। तो E3 ने E2 को मौका दिया कि भाई तू आ यहां बैठ और अपने टारगेट को डिग्रेड कर दे। तो E2 से ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन चला जाता है टारगेट प्रोटीन पे, और ये पॉली यूबिक्यूटिनेशन हो जाता है, यानी मल्टीपल यूबिक्यूटिन प्रोटीन्स टारगेट प्रोटीन पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। टारगेट प्रोटीन पे जब ये यूबिक्यूटिन्स ऐड हो जाते हैं तो अब टारगेट प्रोटीन को एक मशीन के पास भेज दिया जाता है जिसका नाम है 26S प्रोटियोसोमल मशीनरी। ये मशीन क्या करती है, ऐसी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन आए जिनके ऊपर यूबिक्यूटिन्स ऐड हुआ है उसको पकड़ के ये डिग्रेड कर देती है, और फिर ये टारगेट प्रोटीन अब डिग्रेड हो जाता है। ये जो मशीनरी है ये आपको साइटोसोल न्यूक्लियस दोनों में ही इन जनरल बेसिस पे देखने को मिलती है। E3 जो यहाँ पे है, E3 लाइगेज, हम कहते हैं इसको SCF कॉम्प्लेक्स भी, इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये SCF कॉम्प्लेक्स क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये फेमस होते हैं अपने टारगेट प्रोटीन को पकड़ के उसका डिग्रेडेशन करवाने में। SCF जो वर्ड है, S के लिए हम यूज करते हैं SKP1 एंजाइम, SKP प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। C is for क्यूलिन एंड F is for F-box, ये है इसका मतलब फुल फॉर्म। तो ये अलग अलग प्रोटीन फैमिली से मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दैट इज SCF कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये है बेसिक ऑफ यूबिक्यूटिन पाथवे की कैसे रन होता है। अब इसको मैंने अभी डिटेल में समझाया है, पाथवे में डिटेल में नहीं समझाऊंगी। पाथवे में मैं बोलूंगी कि प्रोटीन आया, यूबिक्यूटिन पाथवे से डिग्रेड हो गया। अब आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे वो डिग्रेड हुआ होगा, पहले यूबिक्यूटिन प्रोटीन एक्टिवेट हुआ होगा E1 के द्वारा, फिर उसको E2 पे भेजा गया होगा, E2 यूबिक्यूटिन प्रोटीन को लेके E3 के पास गया होगा,
E3 ने टारगेट प्रोटीन को पकड़ के रखा होगा, E2 ने फिर अपना यूबीक्विटिन टारगेट प्रोटीन पर डाला होगा और तब प्रोटीन डिग्रेड हुआ होगा। यह पूरा पाथवे, इस पूरे पाथवे को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार डिटेल में पढ़ लिया तो अब ये चीज याद रहना चाहिए कि जब भी किसी भी पाथवे में मैं 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे बोलूं या यूबीक्विटिन मीडिएटेड 26S प्रोटियोसोमल पाथवे बोलूं, समझ जाइएगा यही वाला पूरा सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या होगा। ओवरऑल पहले बेसिक समझते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है तो ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन को एक रिसेप्टर की जरूरत होगी, तो वो रिसेप्टर के साथ मिलके तब जाके सिग्नलिंग कर पाएगा। क्योंकि किसी भी सिग्नलिंग का बेसिक क्या होता है, किसी भी सिग्नलिंग का एक बेसिक एरिया होता है कि भाई लिगेंड तो बताओ कौन है और रिसेप्टर बताओ, यही दोनों तो प्राइमरी बेसिस पे काम करेंगे, तब जाके कुछ पाथवेज आगे बढ़ेंगे। और जिस सिग्नलिंग पाथवे को ये फॉलो करता है उसे हम कहते हैं यूबीक्विटिन 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम। रिसेप्टर जो होते हैं इसमें वो होते हैं TIR1 एज वेल एज AFB1 to 5। AFB1 to 5 यानी AFB1 2 3 4 5 एंड TIR1, ये सब रिसेप्टर्स हैं ऑक्सिन के। एट अ टाइम कोई भी रिसेप्टर काम कर सकता है, यहाँ पे दोनों को ही ऑप्शन में ला के रख दिया है। अब ये जो TIR1 एंड AFB1 5 हैं, ये क्या करते हैं, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली कुछ ज्यादा शरीफ फैमिली नहीं है, क्योंकि ये एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एफ बॉक्स फैमिली का किससे लेना देना है, SCF कॉम्प्लेक्स से लेना देना है। SCF कॉम्प्लेक्स किसके लिए जाना जाता है, डिग्रेडेशन के लिए जाना जाता है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले जीन या प्रोटीन के अंडर में आने वाली कोई प्रोटीन वो कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड होगी कि वो अपने टारगेट प्रोटीन का डिग्रेडेशन करके तब जाके सिग्नलिंग को स्टार्ट करेगी। तो ये जो रिसेप्टर फैमिली है TIR1 और AFB की, ये इनकोड करती है एफ बॉक्स कंपोनेंट ऑफ SCF कॉम्प्लेक्स दैट फंक्शन इन द डिग्रेडेशन ऑफ OX/IAA रिप्रेसर ऑफ ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने रिसेप्टर देखा TIR1 या AFB1 to 5। इसके अलावा रीसेंट स्टडी के द्वारा पता चला है कि एक और रिसेप्टर पाया जाता है ऑक्सिन में जिसको हम बोलते हैं ABP1, दैट इज ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। इसको देखा गया है कि ये या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा सकता है या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रिसेप्टर होते हैं ये सॉल्युबल रिसेप्टर होते हैं, यानी ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ABP1 को देखा गया है कि ये या तो ER के ल्यूमेन में पाया जा सकता है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जा सकता है। ये है एक बेसिक्स। ठीक है, अब समझते हैं प्लेयर्स को, बिल्कुल सटीक तरीके से डील करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पाया जाता है, दैट इज सॉल्युबल रिसेप्टर पाया जाता है, इट कैन बी TIR1 या फिर AFB1 to 5। ठीक है, इनहिबिटर कौन होता है इस पाथवे का, OX/IAA प्रोटीन, इसको हम कहते हैं इनहिबिटर। जब तक ये इनहिबिटर प्रेजेंट है सिग्नलिंग रन नहीं हो सकती है, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। लिगेंड होता है यहाँ पे ऑक्सिन खुद। सिग्नलिंग पाथवे का नाम है यूबीक्विटिन 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम या प्रोटियोसोमल पाथवे, जो भी आप कह लें। ARF यहाँ प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। एंड OX/RE दैट इज ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन जो है आपको देखने को मिलेगा DNA सेगमेंट में, दैट इज प्रमोटर के जस्ट बाद। इन जीन्स का जब एक्टिवेशन होगा तब जाकर ऑक्सिन से रिलेटेड रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सब चीजें क्लियर हो गई कि रिसेप्टर कौन है, मेजर रिसेप्टर कौन है। जो नया वाला रिसेप्टर खोजा गया है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाउंड रहता है, पता चला है। इसके अलावा जो रिसेप्टर कॉमनली काम कर रहा है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे इनहिबिटर है उसका नाम है OX/IAA प्रोटीन, लिगेंड है खुद ऑक्सिन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है ARF, सिग्नलिंग पाथवे का नाम है यूबीक्विटिन 26S प्रोटियोसोमल पाथवे।
ऑक्सिन सुपारी देता है टीआईआर को, टीआईआर को ऑक्स आईए का मर्डर करने के लिए। क्या बात है अभिषेक जी, एकदम सटीक और सही बात बोले आप, सही बोला आपने। चलो तो समझते हैं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, जो भी सिग्नलिंग मैकेनिज्म मैं जो अभी बोलूंगी उन सबको मैंने यहाँ लिख रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ने कुछ बोल दिया और हमें पता नहीं चला अब क्या होगा, सब कुछ यहाँ लिखा है। मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। तो समझिए क्या होता है, लेट सपोज सिग्नलिंग चल रही है और ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन का एक्टिवेशन होना पॉसिबल है, फिर क्या लगता है? नो ऑक्सीजन, हेंस नो ऑक्सीजन, हेंस नो TIR1 एक्टिवेशन, नो SCF कॉम्प्लेक्स एक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब क्या होता है? एनी आइडिया क्या होगा? हाँ जी, कुछ आइडिया है क्या होगा इसके बाद? बताइए जरा। अच्छा, ये जो भी मैं बता रही हूँ कहाँ हो रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इन न्यूक्लियस, बताओ क्या होगा इसके बाद? ना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ना टीआईआर एक्टिवेशन हो रहा है, ना एससीएफ कॉम्प्लेक्स का एक्शन देखा जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एक्टिवेटेड रहेगा कौन? इनहिबिटर अपना, दैट इज ऑक्स आई ए ए प्रोटीन, राइट? ये प्रोटीन जो है यहाँ पर एक्टिव रहेगा, जो कि क्या है, जो कि इनहिबिटर है। ये प्रोटीन क्या करता है, जो हमारा एआरएफ है, एआरएफ के साथ मिलकर ये बना लेता है हेटरोडाइमर ऑक्स आई ए ए। अब ये क्या करता है, ये बना लेता है एआरएफ के साथ मिलके हेटरोडाइमर, यानी ऑक्स एआरएफ हेटरोडाइमर बन जाता है। हेंस क्योंकि ए आर एफ ऑक्स आई ए के साथ इन्वॉल्व हो गया है, अब ए आर एफ फ्री नहीं होता है इससे बाइंड करने के लिए डीएनए सेगमेंट पे, जो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन है वहां पे एक्शन करने के लिए। तो हेंस यहाँ पे क्या होता है, दैट इज नो ऑक्स आरी जीन एक्टिवेशन, जो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है उनका एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, हेंस नो ऑक्सिन एक्शन, क्योंकि नो ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन कब होता, जब ए आर एफ जाकर प्रमोटर एरिया में बाइंड करता, बिकॉज इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो हेट्रोडाइमर फॉर्म में बाइंड कर लेने की वजह से अब ए आर एफ डीएनए पे जाके बाइंड नहीं कर पाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है? क्लियर हुआ ये? बुक का भी पिक्चर में दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि बना के बताऊंगी ना तो आपको तुरंत समझ में आएगा। बुक में डायग्राम्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो एक बार बना के समझ लोगे फिर वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम इजी लगने लगेगा, लेकिन अभी दिखाऊंगी तो फिर आप डर जाओगे इसीलिए। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि जो एआरएफ है यहाँ पे, एआरएफ वो एक्टिवेट
या इनहिबिट दोनों कर सकता है पाथवे। राइट, अगर वो हेट्रोडाइमर फॉर्म में है तो वो इनहिबिट कर रहा है, जब वो अपने होमोडाइमर फॉर्म में आएगा तो वो फिर एक्टिवेट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अब समझते हैं, जब ऑक्सीजन है तब क्या हो रहा है। ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये सब जो सिग्नलिंग हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं। अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है तो किससे बाइंड करेगा, बाइंड कर जाएगा TIR1 से। बट हमको पता है भाई TIR1 तो एक बहुत ही गुंडे वाली फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि कौन है, SCF में भी कौन सा फैमिली, एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। तो हेंस इनकी बाइंडिंग क्या कर देगी, इनकी बाइंडिंग एक्टिवेट कर देगी SCF कॉम्प्लेक्स को। अभी SCF कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ना रहते हुए जो मजे में इनहिबिटर काम कर रहा था उसमें चेंजेस लाएंगे। इनहिबिटर क्या कर रहा था, इनहिबिटर यहां पर ऑक्स IAA, इसने क्या करके रखा था, इसने जो ARF को पकड़ के रखा था। अब क्या किया जाएगा, तब बुलाया जाएगा किसको, ऑक्स IAA को बुलाया जाएगा कि ऑक्स IAA हाजिर हो, तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो SCF कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, SCF कॉम्प्लेक्स में पहले जो E1 E2 E3 वाला केस है, तो E1 E2 वाला ले लेते हैं। E1 E2 के एक्शन की वजह से क्या होगा, छोटे छोटे से हमको यूबिक्विटिन प्रोटीन्स, यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है वो हमको देखने को मिलेगा कि इस इनहिबिटर पे ऐड कर दिए गए। ठीक है, ऐड करने की वजह से क्या हो गया, अब ये यूबिक्विटिनेटेड हो गया, और फिर जो यहाँ पे 26S प्रोटियोजोम मशीनरी होगा, 26S प्रोटियोजोम मशीनरी, इसमें क्या होगा, इसमें ये जाएगा और इसका हो जाएगा डिग्रेडेशन। क्यों डिग्रेडेशन जरूरी था, क्योंकि ये रहेगा तो पाथवे को तो इनहिबिट करके रखेगा, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि इसको टाटा बाय बाय हम कह सके, तो टाटा बाय बाय, चलो अब जाओ, अब हो गया तुम्हारा काम। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा ऑक्स भाई बहुत खुश, इतनी खुशी उसको पहले कभी नहीं मिली, ARF सॉरी ऑक्स नहीं, ARF भाई बहुत खुश, क्यों, ये दुश्मन के चंगुल से छूट गया। अब ये क्या करता है, अभी आता है DNA सेगमेंट पे, यहाँ पर ऑक्स RE साइट होता है, नहीं ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट होता है, और ये ARF क्या करता है, यहाँ पे होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड करता है। ARF और बाइंड करके क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है एंड रिस्पॉन्सिव जीन का एक्टिवेशन करवाता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, रिस्पॉन्स फॉर ऑक्सीजन। बताओ कैसी लगी ये स्टोरी, तो देखिए वो जो यूबिक्विटिन हमने पढ़ा था एक्चुअल में पाथवे में इतना ही ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन एक बार आपको समझा दिया है ताकि आपका दिमाग में क्लियर रहे कि ये यूबिक्विटिन अचानक से यहाँ कैसे आ गया, इसको एक्टिवेट करके लाया गया है E1 E2 E3 इन सब के द्वारा।
ठीक है, अब चलते हैं हमारी स्लाइड पे। यानी बुक्स की स्लाइड पे, ये देख, ठीक है। तो हुआ क्या, बोला जा रहा है जब तक यहां पे क्या है, यहां पे नो ऑक्सीजन, जब यहां पे ऑक्सीजन नहीं था तो क्या किया गया, एआरएफ एंड ऑक्स वन ऑक्स आईएए ने क्या किया, हेट्रोडाइमर बना लिया। हेट्रोडाइमर बनाने की वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिग्नलिंग और अर्ली जीन का एक्टिवेशन रुक जाता है। अब क्या हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो इसका ये किसको एक्टिवेट करेगा, टी आई आर वन को एक्टिवेट करेगा। टी आई आर वन एफ बॉक्स से बिलोंग करता है और एफ बॉक्स के दोस्त एस सी एफ है, ठीक है। तो हेंस क्या करेगा, वो पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग द ई वन ई टू, जो कि यूबिक्यूटिन को एक्टिवेटेड फॉर्म में लेकर आएंगे और क्या करेंगे, और यहाँ पे ऑक्स आई ए के ऊपर यूबिक्यूटिन ऐड कर देंगे। फिर ऑक्स आई ए का 26 एस प्रोटियोसोमल पाथवे से डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब रास्ता एकदम क्लियर है, ठीक है, अब रास्ता एकदम क्लियर है। अब रास्ता एकदम क्लियर है तो क्या होगा, अब ए आई एफ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पे जाके बाइंड करेगा और होमोडाइमर फॉर्म में बाइंड करेगा, और उसकी वजह से क्या करेगा, वो बहुत से जीन्स का एक्टिवेशन करेगा जिससे कि ऑक्सीजन रिस्पॉन्स क्लियर हो सके, यानी प्लांट में ऑक्सीजन रिस्पॉन्स देखा जाए। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन जो है अपने नेगेटिव फीडबैक के लिए इनहिबिटर्स का, इनहिबिटर जो जीन होती है उनका भी एक्टिवेशन करता है, ताकि जब ऑक्सीजन का काम हो जाए तो वो इनहिबिटर फिर से आकर पूरे पाथवे को रोक ले, ठीक है। शास्त्रा जी क्या क्लियर नहीं हो रहा है, एक कहावत है, हम जिंदगी में अपने मैटर को या किसी चीज को जितना टफ बनाते हैं वो उतना ही टफ बनते जाते हैं। तो समझने का फेर हो सकता है, वरना प्लांट टफ नहीं है, और अगर आपको टफ लग रही है तो आप एग्जाम में लगभग 40 से 50 मार्क्स लूज करने वाली हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया इसका 40 से ज्यादा वेटेज है। 200 का पेपर 40 से 45 मार्क्स में प्लांट आने वाला है, तो यानी अगर आप उसको हटा भी देती हैं तो आपके लिए पेपर बच जाता है सिर्फ 150 का। अब मान लीजिए उसमें अगर आप पार्टे अटेंड नहीं कर रही हैं तो 30 नंबर हट गया, तो पूरा पेपर आपके लिए 120 का हो जाता है। पासिंग मार्क्स 125 तक स्कोर करना जरूरी होता है, तभी आप सेफ साइड में जा सकते हैं। तो जरा कैलकुलेशन करके देखिए कि बिना एक यूनिट के कहाँ से कहाँ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो ये टफ नहीं है, आप शायद इसको ढंग से डील नहीं कर रही हैं इसलिए आपको ये टफ लग रहा है। तो शांत दिमाग से बैठ के पढ़िए, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकती हैं तो हौले हौले पढ़िए, कहते हैं हौले हौले प्यार भी हो जाता है, तो हौले हौले सब्जेक्ट भी याद हो जाएगा, राइट। एक बहुत अच्छा बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग है, रब ने बना दी जोड़ी मूवी से, ठीक है, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो वो तो प्यार जैसी कॉम्प्लेक्स चीज है जो हौले हौले हो जा रही है, तो कंसेप्ट है, उससे काफी आसान चीज है, तो ये भी हो जाएगा, बस आपको शांत दिमाग से पढ़ने की जरूरत। इसीलिए मैं आज बहुत स्लो चल रही हूँ, वरना मैं अभी तक ऑक्सीजन कंप्लीट कर चुकी होती। आज मैं बहुत स्लो चल रही हूँ क्योंकि पहला फाइटो हार्मोन है, मैं चाहती हूँ कि आपकी दोस्ती हो जाए इससे। अब भाई जिंदगी में खट्टा मीठा सब कुछ मिलता है, राइट, एक यूनिट दूसरे यूनिट की तरह थोड़ी मिलेगा। चलिए अब देखते हैं जरा बुक महाशय ने क्या किया है। बुक ने एक डायग्राम ऐसे प्रेजेंट किया है, ठीक है, जरा अपनी आंखें घुमाइए और देखिए कि क्या ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है दिमाग में। वैसे क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में बनाया गया, प्लीज गो थ्रू इट वंस। सबसे कम किस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, जी यूनिट नंबर 15 से आते हैं सबसे कम क्वेश्चन। रिया इज अ गुड गर्ल, उन्होंने दोस्ती कर ली है, वेरी गुड। अंजलि चलिए दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर दिस फीडबैक।
यस, देख लिया डायग्राम? डायग्राम में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया गया है, बट कहानी वही है सेम। ये रहा ऑक्सिन, ये रहा ऑक्स आई ए रिप्रेसर, ठीक है, ऑक्स आई ए रिप्रेसर। अब देखिए क्या होता है, इसके पास एक पार्शल ऑक्सिन बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी तरफ रेडी है हमारे पास एस सी एफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें क्या आप देख सकते हैं ई थ्री कॉम्प्लेक्स एस सी एफ। इसके पास भी पार्शल यहाँ पे टी आई, और क्योंकि एफ बॉक्स में टी आई आर वन जीन आता है, इसलिए टी आई आर वन जीन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद इसके अलावा इसके पास एक और एडिशनल भी कुछ प्रोटीन्स काम करती हैं जिसका नाम यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे इसके पास पार्शल बाइंडिंग साइट होती है ऑक्सिन के लिए। तो देखिए ऑक्सिन कैसे बाइंड करेगा, ऑक्सिन के पास ऑक्सिन से बाइंड करने के लिए इनहिबिटर भी रेडी है और रिसेप्टर भी रेडी है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स रेडी होता है कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, ये रहा इनहिबिटर, उससे अटैच है देखिए बीच में, सैंडविच बन गया है ऑक्सिन, राइट। ऑक्सिन इज लाइक, क्या दिक्कत है भाई, जान ले लो मेरी। तो यहाँ पे ऑक्सिन देखिए बीच में सैंडविच बन गया है, लुक एट दिस पिक्चर, बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने समझाया है सभी चीजों को। ये रहा बीच में ऑक्सिन, ऊपर देखिए इनहिबिटर ने इससे बाइंड करके रखा है पार्शल बाइंडिंग, ठीक है, पूरी बाइंडिंग नहीं, और नीचे की तरफ टी आई आर वन ने बाइंड करके रखा है। लेकिन ये कुछ ऐसा केस बना है कि ऑक्सिन जो है समहाउ बहुत प्यार से, सॉरी इनहिबिटर जो है बहुत प्यार से ऑक्सिन के साथ पेश आ रहा है, तब तक ऑक्सिन ने जो है यहाँ पर किसी और के साथ टाका भिड़ा लिया जिसका नाम है टी आई आर वन। और ऑक्सिन ने टी आई आर वन को बता दिया है कि देख मैं जो है ऑक्स आई ए को बुला रहा हूँ, ठीक है, तू रेडी रहना बस। और टी आई आर वन ई टू के साथ रेडी, और ई टू अपने सिर पे बॉम्ब लेकर बैठा है जिस बॉम्ब का नाम है यूबिक्विटिन। जैसे ही यहाँ पे बाइंडिंग होती है, ऑक्स आई ए के सिर पे जो है उस बॉम्ब को फोड़ दिया जाता है जिसका नाम है यूबिक्विटिन्स। यूबिक्विटिन्स ऐड कर दिए जाते हैं ऑक्स आई ए पे। अब ऑक्स आई ए बहुत नाराज, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और क्या हो जाता है, गाते गाते जो है इसका हो जाता है डिग्रेडेशन, और इसका हो जाता है स्वाहा इस पाथवे से। जैसे ही ये इस पाथवे से हटता है तब क्या होगा, तब बीच में एंट्री होती है ए आर एफ की। ए आर एफ क्या करता है, ए आर एफ के अपने मजे, क्यों, क्योंकि वो फ्री हो गया है, पहले वो फ्री नहीं था, राइट। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ए आर एफ यहाँ पे है और इससे बाइंड करके रखा, ए आर एफ ने यहाँ पे डीएनए सेगमेंट से बाइंड करके रखा था, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था ऑक्सिन रेगुलेटरी जीन को या ऑक्सिन रेस्पॉन्सिव जीन को, क्योंकि उसके साथ ऑक्स आई ए बाइंड करके उन्होंने हेट्रोडाइमर बना के रखा था। लेकिन जैसे ही ऑक्सिन आता है सारा केस पलट जाता है, और ए आर एफ खुशी खुशी आके होमोडाइमर फॉर्म में डीएनए सेगमेंट पे बाइंड करता है और जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है, ठीक है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने अलग अलग पिक्चर से समझाने की कोशिश की है उसी चीज को। पिक्चर पहले एक बार में कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन जब आप थोड़ा डिटेल को देखना शुरू करते हैं, उतना डिटेल फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते जितना डिटेल फॉर्म में इन्होंने डायग्राम दे के रखा है, लेकिन वो डिटेलिंग आपकी लर्निंग को इजी कर देती है जब आपको पता होता है कि हाँ कैसे क्या किस चीज का इनहिबिशन या डिग्रेडेशन हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि मोनोप्टेरस जीन कहाँ पढ़ा था आपने, हम लोगों ने पढ़ा था उसको अरबिडोप्सिस के एम्ब्रियोजेनेसिस चैप्टर में पढ़ा था, आई थिंक मोनोप्टेरस जीन, हाँ वही पढ़ा था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मोनोप्टेरस जीन एआरएफ को कोड करता है, वो एआरएफ आज हम पढ़ रहे हैं। वहां पे जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था इसको होल्ड कीजिए, ऑक्सिन वाले चैप्टर में ये दोबारा आएगा तब बताऊंगी ये क्या करता है, एआरएफ क्या चीज है। पता चल गया एआरएफ क्या चीज है, एआरएफ ये चीज है। यस बिल्कुल अभिषेक सैम में था। ओके चलो सबसे टफेस्ट वाली चीज डन हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब चले जाते हैं फंक्शन पे, पहले फंक्शन की मैं एक स्लाइड दे देती हूँ फटाफट से लिख के, फिर हम डिटेल में समझ लेंगे। चलो नहीं एक काम करते हैं, रिवाइज स्लाइड लास्ट में दूंगी, पहले डिटेल में समझते हैं। तो ऑक्सीजन की फंक्शनैलिटी के बारे में चलिए बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या क्या फंक्शन कर सकता है। ऑक्सिन सेल का इलांगेशन करवा सकता है, यानी सेल का एक्सपेंशन करवाता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, या वो एक्सपेंड करवा के क्या करता है, बेंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो सेल के इलांगेशन में मदद करता है, और कोलियोप्टाइल में जो है सेल का एक्सपेंशन करवाता है बाय एक्टिवेटिंग अ प्रोटीन कॉल्ड द एक्सपेंसिन।
अगला फंक्शन वैस्कुलर डिफ्रेंसिएशन में मदद करता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन फ्लोयम बनाने का काम करता है और ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन जाइलम बनाने का काम करता है। हेंस इस तरीके से वो फ्लोयम डिफ्रेंसिएशन करवा पाता है। और हमने देखा था कि ये हर्बिसाइड्स की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं उनको हर्बिसाइड्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है हायर कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट पार्थिनोकार्पी, ऑक्सीजन से हम पार्थिनोकार्पी भी करवा सकते हैं। पार्थिनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट्स, यानी ऐसे फ्रूट्स हम बना सकते हैं जिसमें कोई सीड्स या बीज नहीं पाया जाता। ये वाटरमेलन को देखिए, इस वाटरमेलन में सीड्स गायब है, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी प्रोसेस के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, सीडलेस फ्रूट बनाना पॉसिबल है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो सीडलेस फ्रूट बनाने में इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एंड नैप्थिलिनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है। जैसे कि पाइनएप्पल, बनाना, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, टमाटो और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू हम सीडलेस इन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेविट्रॉपिज्म, आपके सामने ये एक जीआईएफ चल रहा है जिसमें कि आप ग्रेविट्रॉपिज्म देख पा रहे हैं, यानी रूट जो है टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है। ये जो रिस्पॉन्स होता है कि रूट का ग्रेविटी की तरफ मूव करवाना, इसे हम ग्रेविट्रॉपिज्म कहते हैं। और इस ग्रेविट्रॉपिज्म को करवाने में ऑक्सीजन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑक्सीजन का रोल जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में भी होता है। इसीलिए जब हमने देखा था कि पिन वन प्रोटीन म्यूटेट हो गया था तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हुआ था और पिन टाइप का हमको इनफ्लोरेसेंस उस प्लांट में देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन एक मोबाइल केमिकल एलिमेंट की तरह काम करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है एडवेंटिशियस यानी लेटरल रूट का भी फॉर्मेशन करवाता है, यानी जो साइडवेज रूट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये रहा प्राइमरी रूट, ठीक है, बीच वाला, और जो साइडवेज रूट होती हैं और स्टेम से भी कभी कभी आपने देखा होगा रूट्स निकलने लगती हैं, तो इस एडवेंटेशियस या लेटरल रूट का फॉर्मेशन ऑक्सीजन की मदद से देखी जा सकती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स भी करवाता है, यानी जब लाइट आएगी तो लाइट की तरफ जो है प्लांट बेंड होने लगेंगे। यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स दिखा के रखे हैं कि किस तरीके से जो है लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है बेंडिंग इफेक्ट शो करने लगते हैं। वो इसलिए है बिकॉज लाइट जब रिसीव की जाती है तो उन प्लांट्स में जिस तरफ लाइट होती है, जिस तरफ लाइट रिसीव की गई है, वहां पे फोटोट्रॉपिन जीन्स के एक्टिवेशन हो जाते हैं, लेकिन उसके डार्क साइड में जो है ऑक्सीजन एक्टिवेट होते हैं। और इस तरीके से जो है ऑक्सीजन वहां नहीं रहते हैं जहां पे लाइट प्रेजेंट रहती है, और डार्कर साइड में रहकर वो जो वहां पे सेल्स होते हैं उनका क्या करते हैं, इलोंगेशन करते हैं, एंड इस तरीके से प्लांट में बेंडिंग इफेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट प्लांट में जो है एपिकल डोमिनेंस भी करवाने का काम करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं जो कहानी बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुनेगा, वो आपने हर जगह देखा होगा। आपने कहीं कोई गार्डन विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा जो फेंसिंग होती है, यानी जो गार्डन का किनारा होता है, वहां पे पूरे प्लांट को बराबर करके रखा जाता है, राइट। जैसे इस तरीके से मान लीजिए ये गार्डन है और इसके चारों तरफ प्लांट लगे हैं, तो वो प्लांट की हाइट जो है बहुत बराबर होती है, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं बट बराबर होती है, फेंसिंग आप कह सकते हो। जब भी उस प्लांट में थोड़ी सी ग्रोथ होती है, वहां का गार्डनर जाता है उसको कट कर देता है और पूरा प्लांट बराबर बराबर मिलता है, जिससे कि बाउंड्री बनाई जा सके, प्लांट को इस्तेमाल करके ही बाउंड्री बनाई जाती है, ठीक है। तो वहां किया क्या जा रहा है, वहां पे उन प्लांट को एपिकल डोमिनेंस लेने से बचाया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरी मम्मी कुछ दिन पहले मुझे तुलसी का पौधा लेके गई, ठीक है। तुलसी के पौधे में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जैसे ही पौधा बड़ा होता है उसमें छोटे छोटे से बीज आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं। अगर उस फ्लावर को आपने रहने दिया, यानी उस एपिकल पोर्शन को आपने रहने दिया, आपका जो पौधा होगा वो बहुत लंबा ग्रो करेगा, लेकिन उसमें लीव्स बहुत कम आई। तो although my mom haven't studied about the auxin, but what she suggested me is कि जैसे ही फ्लावर आएगा उसका टिप तोड़ देना, ठीक है। although उनको साइंस के बारे में पता नहीं है कि वो टिप क्यों तोड़ना है, क्योंकि जब एक प्लांट की टिप की हम बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हाई रहता है। अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हाई होगा तो प्लांट जो है लंबाई लेता रहेगा, वो फिर
प्लांट में जो डेंसनेस आएगी, जो डेंसिटी आएगी, उस पर फोकस नहीं करेगा, सिर्फ लंबी हाइट लेता रहेगा। ये जो लंबी हाइट लेने का प्रोसेस है और जो लंबी हाइट ले लिया जाता है प्लांट के द्वारा, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टिप तोड़ देना, तब प्लांट घना हो जाएगा, बोला राइट। उसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितनी बार टिप तोड़ती हूँ, मैं उतनी बार ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर देती हूँ। नेचुरली हुआ, वो वही हुआ। मैं हर रोज जाके टिप, जितनी बार फ्लावर आता है उतनी बार टिप तोड़ देती हूँ, और अब वो प्लांट लंबा होने की जगह फैल रहा है, जिसे हम कहते हैं लेटरल ग्रोथ करना। आपके घर में भी ये प्रैक्टिसेस देखी जाती होंगी कि अक्सर जो प्लांट ग्रोइंग होता है उसके टिप को तोड़ दिया जाता है। खेतों में भी किया जाता है, चने की जो खेत होती है वहां पे टिप को तोड़ के गांव वाले हटाते रहते हैं, ये कह के कि प्लांट घना होगा। उन्होंने भी साइंस नहीं पढ़ी है, उनको पता भी नहीं है कि वो किस चीज को टिप के थ्रू तोड़ के निकाल दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन को हटा दे रहे हैं। गार्डन में भी यही हुआ कि जब गार्डन के थ्रू पूरी बाउंड्री रेडी, प्लांट के थ्रू जब पूरी बाउंड्री रेडी की जा रही है, तो उसमें अगर प्लांट को आप लंबा होने दोगे तो प्लांट लंबा ही ले लेगा, घना नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस प्लांट का इस्तेमाल करके बाउंड्री क्रिएट की जाती है गार्डन्स में, वो प्लांट बहुत घने होते हैं, उनमें बहुत सारे लीव्स होते होंगे। वो इसलिए क्योंकि बार बार वहां का गार्डनर जाके काटता है और अपर वाला पार्ट हटा देता है। तो अगर एक प्लांट को लंबा करना है तो आप ऑक्सीजन उसका रहने दीजिए, उसके टिप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, टिप रहने दीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि आपका प्लांट घना हो, बहुत सारी लीव्स आए उसमें, यानी आप चाहते हो कि आपका प्लांट लेटरली ग्रो करे, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी गेन करे, तो उस केस में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी होती है या कम करनी होती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करता है और एपिकल ग्रोथ को बढ़ाता है। लेटरल ग्रोथ यानी साइडवेज ग्रोथ को कहते हैं हम लेटरल ग्रोथ। तो प्लांट को फैलने से रोकता है कौन, ऑक्सीजन, और क्या देता है, हाइट देने लगता है बस। तो अगर देखिए, अगर एक प्लांट ऐसा है तो समझ लीजिए उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कुछ प्लांट में ये चीजें जेनेटिक बेसिस पे होती है। इन जनरल अगर प्लांट बहुत एपिकली लंबा है, मतलब कि उसमें एपिकल डोमिनेंस देखा जा रहा है, तो समझ लीजिए उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई चल रहा है। लेकिन कोई प्लांट इस तरीके से घना है, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि बहुत बार इसमें से ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कम किया गया होगा या ऑक्सीजन इनमें कम कंसंट्रेशन में देखा गया। यही एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब एक प्लांट को प्रॉपर ढंग से ग्रो होने दिया गया, ऑक्सीजन उसके टिप में प्रोड्यूस हो रहा था, तो उस केस में प्लांट ने सिर्फ एपिकल डोमिनेंस लिया, यानी लंबाई ली। लेकिन जब आपने टिप को डीकैपिटेट कर दिया, मतलब कि कट कर दिया, तो प्लांट ने लंबाई लेने की जगह डेंसिटी लेना शुरू कर दिया, यानी वो घना हो गया। इस एपिकल बर्ड को डीकैपिटेट करने के प्रोसेस को हम प्रूनिंग कहते हैं। तो जब भी आप कोई टर्मिनल बर्ड को हटाते हो, टर्मिनल यानी ग्रोइंग टिप को अगर तोड़ तोड़ के हटाते हो, तो उस केस में क्या आता है, उस केस में प्लांट घना होता जाता है। जैसे मेरे पास एक पुदीने का पौधा है, उसमें ज्यादा पुदीना नहीं लगा हुआ है, लेकिन मुझे जब भी जरूरत होती है मैं उसके टिप को तोड़ देती हूँ, और अब वो देख रही हूँ मैं कि धीरे धीरे फैलना शुरू कर रहा है, क्योंकि सारा कंसेप्ट वापस से यही बना रहता है। क्लियर? तो ऑक्सीजन के थ्रू हम एपिकल डोमिनेंस करवा सकते हैं, ठीक है, और जो लेटरल ग्रोथ होता है उसे इनहिबिट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपका प्लांट फैल के मोटा होके बहुत घना हो जाए, तो उसके टिप को तोड़ते रहिए, आप ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे भी वही बता के रखा है कि इंटैक्ट प्लांट है, लंबा हो रहा है, आपने क्या किया, इसके टिप को हटा दिया, तो देखिए प्लांट लंबा होने की जगह देखिए यहाँ पे घना होने लगा। फिर आपने यहाँ ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया तो फिर से क्या होगा, फिर से ये प्लांट लंबाई लेने लगेगा। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, देखिए
उस केस में जो है फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम पड़ जाएगा और प्लांट फिर से डेंसिटी लेने लगेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि लेटरल ग्रोथ को करवाने का काम साइटोकाइनिन करता है और ऑक्सीजन कुछ खास साइटोकाइनिन को पसंद नहीं करता है, तो साइटोकाइनिन फोकस करता है प्लांट को बढ़ाने में, डेंसिटी बढ़ाने में, और ऑक्सीजन फोकस करता है प्लांट को लंबाई देने में। तो इसका रिलेशन भी आएगा जब हम स्टीगो इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, तब इनके बारे में, इन दोनों के रिलेशन के उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस के मैकेनिज्म को समझा के रखा है, कहानी वही है जो मैंने आपको बताया, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, ये स्लाइड मैं स्टीगो इलेक्ट्रॉन में समझाऊंगी, तो इसको आप लोग होल्ड पे लेके चलेगा। ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ, मेक श्योर दिस स्लाइड इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, स्टीगो इलेक्ट्रॉन, साइटोकाइनिन, तीनों का पार्ट है ये। ठीक है, तो मे बी आई थिंक मैं इसको स्टीगो इलेक्ट्रॉन में कवर करूंगी। ये एक स्लाइड मिली है बढ़िया सी रिसर्च गेट से, बहुत सारी बातें बता रही है, एक बार इसको ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है इसमें। यस प्रतिभा, सभी प्लांट के टिप में प्रेजेंट होता है, इसलिए करी लीव्स में भी जब फ्रूट्स आई मीन जैसे फ्लावर आते हैं, आप उसको अगर डीकैपिटेट कर देंगी, योर प्लांट विल बी मोर इन मोर डेंस डेंसर एज कम्पेयर टू द हाइट। पायल बोलते हैं रात के टाइम प्लांट को टच नहीं करते हैं, जहां तक मुझे अभी तक इसका साइंटिफिक रीजन पता चला है, जनरली कहा जाता है कि प्लांट के पास रात में नहीं जाना चाहिए, उसका लॉजिक ये था बिकॉज रात में प्लांट क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, यानी उस टाइम पे वो O2 लेके CO2 छोड़ रहे होते हैं, एंड फॉर अस CO2 इज नॉट गुड, दैट इज वाई मना किया जाता है, क्योंकि रात दिन में वो उल्टा कर रहे होते हैं, दिन में वो CO2 ले रहे होते हैं, O2 छोड़ रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है दिन के टाइम में पेड़ पौधों के पास रहना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर O2 रेस्पायर करेंगे, क्योंकि वो O2 रिलीज कर रहे हैं, रात में ये प्रोसेस उल्टा होने लगता है। सो आई थिंक दैट इज द साइंटिफिक रीजन, और बाकी कोई रीजन हो तो मे बी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। ओके, पढ़ लिया ये स्लाइड, यहाँ पे सबको कनेक्ट किया गया, जैसे बायोसिंथेसिस में ये फैमिली मदद कर रही हैं, ठीक है, फिर इनएक्टिवेशन में ये फैमिलीज मदद कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट में इनका रोल देखा गया, सिग्नलिंग में इनका रोल देखा गया, और फिर हमारे पास आया बायोलॉजिकल फंक्शन जो अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं। चलो तो एक लास्ट स्लाइड ले लेते हैं फंक्शन का, ठीक है, एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। भाई साहब जिंदगी में पहली बार सीधी लाइन खींची, एपिकल डोमिनेंस, सेल एलोंगेशन, वास्कुलर डिफरेंशिएशन, देन रूटिंग, फोटोट्रॉपिज्म, और क्या था, पार्थेनोकार्पी, फंगिसाइड, और क्या था, ग्रेविट्रॉपिज्म, डीमोजेनेसिस,
इसके अलावा ये फाइलोटेक्सी भी कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, कितनी लीफ अरेंज होगी एक स्टेम के ऊपर, ठीक है, दैट इज व्हाट द फाइलोटेक्सी। नेक्स्ट, इसके अलावा और एडिशनल में आ सकता है अर्ली फ्लावरिंग करवा सकता है, अर्ली फ्लावरिंग एंड प्लांट में फीमेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा डिले एब्सेशन, डिले एब्सेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट के पार्ट का अपने पेरेंट प्लांट से टूट के नीचे गिर जाना, डिले एब्सेशन इन लीफ एंड फ्रूट। साथ ही साथ देखा गया कि इट कैन एक्ट एज अ मॉर्फोजन। ये हो गए आपके ऑक्सिन के फंक्शन का एक स्लाइड। आपके पास कुछ और फंक्शन मिलते हैं और ऐड कर लीजिए, ठीक है, मेरी तरफ से इतना होगा।